पूना के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं आपको आज रंगपंचमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय निकालकर आप इस व्याख्यान में यहां आए। मैं यहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो एसोसिएशन है उसका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया। व्याख्यान के शुरू में ही मैं आपको मेरी एक परेशानी बता देना चाहता हूं। मैं बेसिकली कभी भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा। मैं साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करने वाला एक व्यक्ति हूं और काफी दिन उसी में काम किया। देश की हालतों ने मुझे मजबूर कर दिया कि इस अर्थशास्त्र को समझा जाए, और जैसे जैसे मैं अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि यह अर्थशास्त्र नहीं है, अनर्थशास्त्र है। आपके बीच में आया हूं जो कुछ पिछले वर्षों में समझ पाया हूं उसको शेयर करने के लिए, और अगर उसमें से कोई दिशा बनती हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि इन बातों को सिर्फ यहां सुनकर ना चले जाएं आप, अगर जरूरत पड़े तो इन प्रश्नों पर आगे भी बहस चलाएं, क्योंकि ये देश के आर्थिक आजादी से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक इतिहासकार हुआ है टॉइनबी, उसका एक बहुत प्रचलित वाक्य है, सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। वो कहा करता था अक्सर, ऑलवेज इकोनॉमिक सब्जुगेशन लीड्स पॉलिटिकल सब्जुगेशन। अगर किसी देश में आर्थिक रूप से गुलामी आ जाती है तो फिर राजनीतिक गुलामी आती ही है। तो कहीं इस देश में जो दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं उससे ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे एक आर्थिक गुलामी में फंसता चला जा रहा है, और जो आर्थिक गुलामी में देश फंस रहा है उसके पीछे कोई नारे नहीं है, ठोस सच्चाइयां हैं, ठोस सबूत हैं जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि देश आर्थिक गुलामी में फंस रहा है। 1991 में इस देश में एक सरकार बनी और उस सरकार ने ग्लोबलाइजेशन का एक नारा दिया। ग्लोबलाइजेशन का जो नारा दिया गया वो सिर्फ भारत में नहीं था, भारत जैसे तमाम विकासशील देशों में भी वो नारा चला। हमारे कई पड़ोसी देश थे, उदाहरण के लिए साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, और फिर कुछ लैटिन अमेरिका के देश थे, ब्राजील, कोस्टारिका, कोलंबिया, चिली, अर्जेंटीना। तो कुछ ऐसे तमाम देश थे जिन्होंने एक साथ ये ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया। तो ये एक साथ जो ग्लोबलाइजेशन का नारा देना शुरू किया, और उसके बाद एक शब्द आया जिसमें अक्सर कहा गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन, ये दो ऐसे शब्द बन गए जिनको मंत्रों की तरह से जाप किया जाने लगा। जिस समय में ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था, उस दिन से आज तक मैं और मेरे कई साथी इस पूरी प्रक्रिया को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे थे, और हम ये समझना चाहते थे कि ये ग्लोबलाइजेशन है या कुछ और भी है इसके साथ। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ तो इसके साथ बहुत सारे वायदे थे, बड़ी बड़ी बातें थी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, आप शायद समझते होंगे उसको या आपको याद भी होगी, कि 1990-1991 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आ गई थी, कुछ रुकावट आ गई थी। तो उस मंदी और रुकावट को दूर करना है तो सिवाय ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस देश के पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसी बात पूरे देश में कही गई थी। और मुझे बराबर याद है कि हमारे देश के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों ने भी यह कहना शुरू कर दिया था कि चूंकि देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत कम हो गया है और हमारे पास मुश्किल से 3 सप्ताह का इंपोर्ट बिल चुकाने के बराबर मुद्रा है, तो हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने IMF और वर्ल्ड बैंक के पास अप्रोच किया था लोन के लिए, पैसा लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। तो 1991 में जब IMF और वर्ल्ड बैंक के पास भारत की सरकार का पत्र गया कि भारत को तुरंत कर्जा चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक से,
तो IMF और वर्ल्ड बैंक की जैसी की आदत है, उन्होंने सबसे पहले ये कहना शुरू कर दिया कि आपको हम कर्जा तो देंगे लेकिन उसके साथ हमारी कुछ कंडीशनैलिटीज होंगी। तो IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भारत सरकार को कुछ कंडीशनैलिटीज पेश किए गए कि आप अगर इन शर्तों को पूरा करें तो हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। तो वो शर्तें क्या थी? सबसे पहली शर्त है IMF और वर्ल्ड बैंक की, जब भी कोई देश उनके पास कठिन परिस्थिति में जाता है तो उनका एक रटा रटाया प्रेस्क्रिप्शन है कि सबसे पहले किसी भी देश को वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करिए तो हम आपको लोन दे देंगे। और इस बात को पेश करने का तरीका अलग है। वो ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन इसलिए करिए ताकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, और चूंकि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे, और जब आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे तभी आप हमारे लिए हुए कर्ज को वापस कर सकेंगे। तो इसको अगर एक लाइन में कहूं तो IMF का एक प्रेस्क्रिप्शन है, वो सारी दुनिया में सभी देशों पे लागू करवा देते हैं कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू करिए। तो ये IMF का पहला प्रेस्क्रिप्शन है। दूसरा उनका प्रेस्क्रिप्शन है कि आप जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप एक काम और करिए कि अपने देश का दरवाजा खोलिए ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां आपके देश में आसानी से आ सकें, और उन मल्टीनेशनल कंपनियों पर आप जो पाबंदियां लगाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, उनको आप कम से कम कर दीजिए या पूरी तरह से खत्म कर दीजिए ताकि आपके मार्केट में उनको व्यापार करने में कोई असुविधा ना हो। और क्यों मल्टीनेशनल्स को आप अपने मार्केट में बुलाइए? कि आप अगर मल्टीनेशनल्स को बुलाएंगे अपने मार्केट में तो उनके साथ हाईटेक आएगा, टेक्नोलॉजी बहुत आएगी, और जब टेक्नोलॉजी बहुत आएगी तो आपके यहाँ क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा, और जब आपके यहाँ क्वालिटी का माल बनना शुरू हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, तो मल्टीनेशनल्स भी आके आपके एक्सपोर्ट में प्रमोशन करेंगे और आपके निर्यात को बढ़ाएंगे। तीसरा प्रेस्क्रिप्शन उनका अक्सर ये रहा करता है कि आप अपने इंटरनल मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देते हैं वो प्रोटेक्शन देना बंद करिए, और अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो उसके बारे में IMF का ये मानना है कि आप एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मत दीजिए, मल्टीनेशनल्स को खुली छूट दे दीजिए, उनको पूंजी लाने की भी खुली छूट दे दीजिए और पूंजी ले जाने की भी खुली छूट दे दीजिए, उनके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और आप सब के सब फ्री ट्रेड के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और बातें भी बताई जाती हैं, जैसे एक बात यह बताई जाती है कि भारत की इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो जब तक आप अपना दरवाजा नहीं खोलेंगे तो आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, और आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन नहीं आएगा तो आपके देश के कंज्यूमर्स को उसका बहुत नुकसान होगा। तो आपकी इकोनॉमी में कॉम्पिटिशन आना चाहिए, कंज्यूमर्स को उसका फायदा होना चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बड़े मल्टीनेशनल्स को भारत में या अपने बाजार में आप आने की खुली छूट दीजिए। और ऐसे ऐसे करके कुछ शर्तें वो बताते चले जाते हैं, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनको लागू करते चले जाते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि IMF और वर्ल्ड बैंक की जो कंडीशनैलिटीज होती हैं वो सिर्फ दुनिया के गरीब या तीसरी दुनिया के देशों पर ही लागू होती है। जानकारी ये मैं आपको दे दूं कि अमेरिका और यूरोप के देश भी IMF से कर्ज लेते हैं, और अमेरिका और यूरोप के देश भी IMF और वर्ल्ड बैंक से जब कर्ज लेते हैं तो जो कंडीशनैलिटीज IMF वाले हमारे ऊपर लगाते हैं वो कभी अमेरिका के ऊपर नहीं लगाई जाती, क्योंकि वो हमेशा से ये मान के चलते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी तो पहले से ही ग्लोबलाइज्ड है। हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड है। दूसरा उनका ये मानना है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कॉम्पिटिशन है, ये उससे भी बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी में बहुत कॉम्पिटिशन है। तीसरी बात कि अमेरिकन इकोनॉमी पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि अमेरिकन इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी है। और फिर उसके बाद यूरोप के बारे में भी कुछ इसी तरह की बातें होती हैं। तो मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता रहा है कि जब वर्ल्ड बैंक और IMF से अमेरिका भी कर्ज लेता है, यूरोप के देश भी कर्ज लेते हैं, तो उनके ऊपर कंडीशनैलिटीज नहीं लगाई जाती
और हमारे जैसे देश जब उनसे कर्ज लेने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कंडीशनलिटीज लागू कर दी जाती है। तो एक बार मन में आया कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF की व्यवस्था जो चलती है इसके बारे में समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी खास बात है कि वो यूरोप और अमेरिकन ब्लॉक पर कभी कोई कंडीशन नहीं लगाते, अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक के लिए कभी भी वो शर्तें नहीं लगाते जो दूसरी दुनिया के तीसरी दुनिया के देशों पर वो लगाते हैं। तो उसका इतिहास बिल्कुल स्पष्ट ये बताता है कि ये बना कैसे वर्ल्ड बैंक और IMF। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप और अमेरिकन इकोनॉमी तबाह हो गई थी, यूरोप को ज्यादा नुकसान हुआ था, अमेरिका को कुछ कम नुकसान हुआ था। तो यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तबाह हुई तो उस इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने के लिए दो इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ वर्ल्ड बैंक और IMF के नाम पे। ब्रेटन वुड नाम की एक जगह है अमेरिका में, एक गांव जैसा है, अभी थोड़ा बड़ा शहर हो गया है, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 44 देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए थे। उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। तो उस ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के आधार पर IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जब से ये IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ है तब से वहां एक पॉलिसी चलती है। पॉलिसी ये चलती है कि IMF और वर्ल्ड बैंक में जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है, वन मेंबर वन वोट कभी नहीं होता IMF में और ना वर्ल्ड बैंक में होता है। वहां अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं और अमेरिका का जो वोटिंग शेयर है IMF में और वर्ल्ड बैंक में भी वो करीब 20% है। माने अमेरिका अगर एक वोट डालता है तो उसकी जो कीमत है, अगर कुल वोट की कीमत 100 रुपया मानी जाए तो अमेरिका के वोट की कीमत 20 रुपए के बराबर होती है। बाकी 80 रुपए की कीमत में सारी दुनिया के देश हैं और उन देशों की संख्या लगभग 117 है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में कभी भी डेमोक्रेसी आया नहीं पाई है और आने वाली भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रक्चर वैसा ही बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक बना था वो इस बात के लिए बना था कि दुनिया के तमाम देशों को युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बहुत शॉर्ट टर्म के लोन की जरूरत पड़े, तात्कालिक कोई पेमेंट की जरूरत पड़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो जाए तो IMF उसके लिए कर्ज बांटेगा, और किसी देश को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लोन की जरूरत पड़े तो वर्ल्ड बैंक उसको बांटेगा। तो इस तरह से ये बंटवारा हुआ था। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे इन दोनों संस्थाओं के अध्ययन करने के बाद पता चली, जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती। IMF और वर्ल्ड बैंक ट्विन इंस्टीट्यूट्स हैं, जुड़वा कह सकते हैं एक दूसरे का। और इसमें होता क्या है कि अगर कोई देश वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए जाए तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा जाता है कि आप IMF की कंडीशनलिटीज को पूरा करिए। और इसी तरह से कोई देश अगर IMF के पास कर्ज लेने के लिए जाए तो वो कहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को पूरा करिए। माने क्रॉस कंडीशनलिटीज का सिस्टम चलता है इन दोनों में। और उसमें होता क्या है, परोक्ष रूप से वो दोनों अपनी कंडीशनलिटीज लागू करवा देते हैं इन गरीब देशों के ऊपर। और मैं कहना यह चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से दी गई कंडीशनलिटीज या उनकी तरफ से दिए गए प्रेस्क्रिप्शन कभी रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। ये रिफॉर्म शब्द का अपमान है। ये वर्ल्ड बैंक और IMF बने ही हैं अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की हेजेमनी को बनाए रखने के लिए। हमारे यहां क्या गलती हुई पिछले 7 वर्षों में, हमारे यहां प्रेस ने, खासकर अंग्रेजी प्रेस ने, IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेस्क्रिप्शन को रिफॉर्म्स के नाम पर प्रचारित करना शुरू कर दिया और IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को ग्लोबलाइजेशन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है और IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज एक बहुत छोटा शब्द है। तो हमसे जो गलती हुई है पिछले 7 वर्षों में, खासकर इस देश के इंटेलेक्चुअल क्लास से, वो सबसे बड़ी गलती यही हुई कि IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को हमारे देश ने रिफॉर्म्स मानने की बड़ी भारी भूल की और IMF और वर्ल्ड बैंक की कंडीशनलिटीज को हमारे देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के रूप में प्रचारित किया गया। उसमें सरकार की हिस्सेदारी तो है ही, सरकार से ज्यादा इस देश के मीडिया की यह जिम्मेदारी थी। इस देश के लोगों को साफ साफ बताना चाहिए था कि ये जो कुछ भारत में हो रहा है वो विश्व बैंक और मुद्रा कोष की शर्तों के अनुसार हो रहा है, उसमें भारत सरकार अपनी खुशी से शामिल है, इस पे शक था। तो हमारे यहां 1991 में ये जो कुछ शुरू किया गया
वो दुनिया के और भी कई देशों में शुरू किया गया, जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह वगैरह। और ये जो साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया टाइप के देश थे, इन्होंने जो IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज थी उनको ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ लागू करना शुरू कर दिया। तो IMF की सबसे ज्यादा ईमानदारी के साथ अगर किसी देश ने रिफॉर्म्स को अपने यहां चलाया पूरी ईमानदारी से, तो वो देश है साउथ कोरिया। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 91 से लगातार जो जो IMF ने कहा, जो जो वर्ल्ड बैंक ने कहा, वैसा ही किया, क्योंकि हर बार उनको लोन लेना था शॉर्ट टर्म का IMF से, तो हर बार उन्होंने उनकी कंडीशनलिटीज को मानना शुरू कर दिया। तो जैसे IMF ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने मार्केट को ओपन कर दीजिए, अमेरिकन कंपनियों को आने दीजिए, यूरोपियन कंपनियों को आने दीजिए, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने खोल दिया अपने मार्केट को। दूसरी बात, साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कहीं IMF के ऑफिसर्स ने कि आपके देश का जो पब्लिक सेक्टर है, माने साउथ कोरियन पब्लिक सेक्टर जो है, इसको भी खुला छोड़ दीजिए और आप इनका प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस पब्लिक सेक्टर को खाम-खाम बोझे की तरह से ढोते रहेंगे आप अपने छाती पर, तो ये आपके लिए नुकसान देगा। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया। तीसरी बात, साउथ कोरियन गवर्नमेंट से कई IMF के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन भी कर दीजिए ताकि आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाए, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर दिया, डिवेल्युएशन भी कर दिया उनके अपनी करेंसी का, तो कुछ एक दो साल उनका एक्सपोर्ट भी काफी तेजी से होने लगा। फिर चौथी बात, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आपके अपने मार्केट में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं साउथ कोरिया की, उनके ऊपर जो आपने प्रोटेक्शन दे रखे हैं, उन प्रोटेक्शंस को विड्रॉ कर लीजिए, ताकि साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज अमेरिकन इंडस्ट्रीज के साथ कंपटीशन में आ सकें, और कंपटीशन जब आएंगी साउथ कोरियन इंडस्ट्रीज, तो अमेरिकन कंपनियों से ताकतवर मुकाबला होगा, तो उनकी क्वालिटीज इंप्रूव होंगी वगैरह वगैरह, उन्होंने वो भी कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने फाइनेंशियल मार्केट को खोल दीजिए, तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने सियोल का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरह से खोलकर अमरीकी लोगों के हाथ में दे दिया कि ले लीजिए आप चलाइए, हमने इतना खोल दिया पूरे मार्केट को। फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि साउथ कोरिया में बहुत पहले से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग लगवा करते थे। तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट को कहा IMF के ऑफिसर्स ने कि अब आप अपने एंटी डंपिंग लॉज भी विड्रॉ कर लीजिए, साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने वो भी कर लिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि आप अपने देश की इकोनॉमी को अमेरिकन इकोनॉमी के साथ पूरी तरह से जोड़ने के लिए, माने आप अमेरिका के साथ पूरी तरह से घुल मिलकर अब ग्लोबलाइज्ड हो जाइए, माने हमारे साथ शामिल हो जाइए वर्ल्ड मार्केट में, और उसके लिए हम जैसे जैसे कहें वैसे वैसे चलते जाइए। बेचारी साउथ कोरिया की सरकार उस रास्ते पे भी चलने लगी। और मैं आपको इसी समय एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जिस समय ये सब कुछ साउथ कोरिया में हो रहा था, उसी समय हमारे देश के पार्लियामेंट में हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बहुत लंबा भाषण दिया है 1.5 घंटे का। उस भाषण की कॉपी मेरे पास है और वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में छपा हुआ भाषण है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्लियामेंट में कह रहे हैं, भारतीय संसद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमको रिफॉर्म से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में कुछ लोग हैं, वो नाम तो नहीं ले रहे हैं, शायद उनमें मेरे जैसे लोग भी शामिल होंगे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं पूरे देश में, और ग्लोबलाइजेशन से तो बहुत फायदा होने जा रहा है इस देश को, और ये ग्लोबलाइजेशन अगर 2-3 साल इस देश में चालू रहा और लागू रहा तो शायद इस देश में हम बहुत तरक्की कर लेंगे, जितनी तरक्की पिछले 40 साल में नहीं हो पाई वो अगले हम 5 साल में करने जा रहे हैं। और उसी के साथ उन्होंने अपने भाषण में नाम लेकर साउथ कोरिया का जिक्र किया है, और करीब 20 मिनट वो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोले हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो साउथ कोरियन इकोनॉमी पर बोलते हुए वो कह रहे हैं कि देखिए साउथ कोरियन इकोनॉमी पूरी तरह से खुल गई है, पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो गई है, और वहां पे अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन भी खत्म कर दिया गया है वगैरह वगैरह, उनका फाइनेंशियल मार्केट खुल गया है, उनके डोमेस्टिक मार्केट में भी विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है। और अंत में बोलते बोलते क्या कह गए वो कि अब तो साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है। तो ये जो उन्होंने कह दिया भारतीय पार्लियामेंट में कि अब साउथ कोरिया एशियन टाइगर हो गया है, तो हमारे देश के अंग्रेजी समाचार पत्रों ने इसको लपक लिया, और हिंदुस्तान के सारे बड़े अंग्रेजी अखबारों में, उनके साथ हिंदी अखबार भी कुछ थे, जिनमें यह छपना शुरू हो गया कि साउथ कोरिया तो एशियन टाइगर। और जब भी साउथ कोरिया के बारे में कोई बात आए तो साउथ कोरिया का विशेषण हमेशा एशियन टाइगर।
तो एशियन टाइगर वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो कुछ IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, अमेरिका की सरकार की तरफ से उनके पास जो भी बातें आई वो सब की सब उन्होंने लागू कर दी हैं। तो बेचारा साउथ कोरिया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और अब 7 वर्ष बीत गए। साउथ कोरिया की सरकार को एक दिन लगा कि जो कुछ हमने 7 साल पहले चालू किया था उसके परिणाम तो दिखते नहीं कहीं भी, और उल्टी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है साउथ कोरिया में। क्या उल्टी स्थिति दिखाई दे रही है? पिछले साल नवंबर के महीने में साउथ कोरियन पार्लियामेंट में वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने भाषण देते हुए कहा कि हमको ये उम्मीद थी कि 7 वर्षों में इस ग्लोबलाइजेशन के सारे नतीजे हमारे पास अब आ जाएंगे, लेकिन 7 वर्ष का इंतजार करने के बाद नतीजे आना तो दूर, हम किसी उल्टी दिशा में जा रहे हैं ऐसा महसूस होने लगा। ये नवंबर फर्स्ट वीक में भाषण दे रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उसके बाद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का एक दिन भाषण हुआ किम इल सुंग का पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट ने कहना शुरू कर दिया है कि हमको अब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर एक वाइट पेपर तैयार करना चाहिए और साउथ कोरियन पार्लियामेंट में उसको पेश करना चाहिए ताकि पता चले कि पिछले 7 साल में नुकसान कितना हुआ है फायदा कितना हुआ है। और अभी ये बात चल ही रही थी कि हम जो है व्हाइट पेपर तैयार करेंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे, उसके तीसरे या चौथे दिन अखबारों में खबर आई कि सियोल का पूरा स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कॉलेप्स हो गया, और जिन साउथ कोरियन कंपनियों के शेयर्स के दाम सामान्य रूप से कभी गिरे नहीं वो जमीन पर औंधे मुंह पड़े हैं। अचानक से अखबारों में यह खबर आई, और उसी खबर के एक सप्ताह के अंदर साउथ कोरियन प्रेसिडेंट किम इल सुंग का एक दूसरा स्टेटमेंट आ गया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, और दोनों हाथ उठाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो गए कहां? उसी समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग चल रही थी, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरिया का एक प्रतिवेदन भेजा गया प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से। साउथ कोरिया के एक मिनिस्टर ने उसको पढ़ा, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पत्र पढ़ा गया उसके जो शब्द थे वो क्या कि हम पूरी तरह से डूब गए हैं, ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा, और अब हम दुनिया के लोगों से और दुनिया के तमाम वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर जितना कर्ज है उसको माफ कर दें, क्योंकि हम उस कर्ज को चुकाने की भी स्थिति में नहीं है। और मैं भूलता नहीं, उस प्रेसिडेंट का जो शब्द है वो ये है कि हम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए हैं। और उसके बाद एक दूसरी चिट्ठी गई है उसकी, और उस दूसरी चिट्ठी में उसने IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑफिसर से कहा कि हमने तो आपके कहे हुए दिशा निर्देशों का ही इस्तेमाल किया पूरी तरह से, और पूरी ईमानदारी के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन को लागू किया अपने देश में, लेकिन नतीजा ये है कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब हम आपका एक भी पैसे का कर्ज वापस नहीं चुका सकते, लिहाजा या तो IMF हमारे सारे के सारे कर्जे को माफ कर दे या फिर हमको नया कर्ज दिया जाए ताकि हम पुराने कर्जे का ब्याज चुका सके। तो IMF ने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए कह दिया कि हम आपको कर्ज देने को तैयार हैं। तो कितना कर्ज आपको चाहिए? तो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने मांग की $60 बिलियन। तो IMF ने कहा कि बिल्कुल ठीक, हम आपको $60 बिलियन का लोन दे देंगे, बस एक छोटी सी हमारी आखिरी शर्त है कि आप साउथ कोरिया की सारी नेशनल असेट्स हमारे पास गिरवी रख दीजिए, मॉर्गेज रख दीजिए। अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट और वहां की सरकार की स्थिति यह है जैसी वो होती है ना सांप छछूंदर वाली, या मरता क्या ना करता, तो देख रहे हैं कि डूबने वाले हैं, मर गए तो क्या ना करें, तो उन्होंने उस पर भी साइन कर दिए। और आज स्थिति यह है कि साउथ कोरिया की जो नेशनल असेट्स हैं, जो उनकी नेशनल प्रॉपर्टी है, वो गिरवी रखी जा चुकी है, और साउथ कोरिया में इतना जबरदस्त कंपटीशन हुआ है पिछले 7 वर्षों में कि साउथ कोरिया के सारे पब्लिक सेक्टर के कारखाने अमरीकी कंपनियों के कंट्रोल में चले गए। कॉम्पिटिशन के नाम पर वहां सिवाय मोनोपोली के कुछ हुआ नहीं है। एक उदाहरण से समझिए कि आज से 7-8 वर्ष पहले तक साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है हुंडई मोटर्स,
जिसके ऊपर साउथ कोरिया के लोगों को भी गर्व था, वहां की सरकार को भी गर्व था, वो हुंडई मोटर सब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल में है इस समय। और हुंडई मोटर्स पर जब पूरी तरह से अमेरिकन कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ तो अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने उसको टेक ओवर करने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो ये कि हुंडई मोटर्स में जितने साउथ कोरियन वर्कर्स काम करते थे उनको रिट्रेंच कर दिया और सड़क पे खड़ा कर दिया। साउथ कोरिया में इस समय करीब करीब 70 लाख वर्कर्स पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। ये हुंडई मोटर्स तो उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसी 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की अमेरिका के कंट्रोल में जा चुकी हैं पिछले 7 वर्ष के ग्लोबलाइजेशन में। उनका ट्रेड डेफिसिट इतना अधिक बढ़ गया है क्योंकि करेंसी का डिवेल्युएशन करने का जो उन्होंने काम शुरू किया था उसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर निकले हैं। और अंत में नतीजा क्या निकला है? अंत में नतीजा यह निकला है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ है, इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो गया है साउथ कोरिया का। मेरे मन में तकलीफ क्या है? मेरे मन में तकलीफ यह है कि जिस साउथ कोरिया के बारे में मेरे पार्लियामेंट में एशियन टाइगर कहा गया था, जिस साउथ कोरिया के बारे में पिछले 7 साल से पानी पी पी कर कसीदे पढ़े जा रहे थे उस साउथ कोरिया के बारे में, आज साउथ कोरिया जब कॉलैप्स हो गया है तो ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई स्टेटमेंट आया है ना पी चिदंबरम का कोई स्टेटमेंट आया। क्यों? इनको डर लग रहा है कि साउथ कोरिया के जिस रास्ते पर, साउथ कोरिया जिस रास्ते पर चला था वहां चल के डूबा है। अब अगर हमने कुछ कहना शुरू किया तो इस देश के सामने हमारी भी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि हमने भी रास्ता तो वही पकड़ा है जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने पकड़ा था 1991 में। और मैं इंतजार कर रहा हूं, साउथ कोरिया जब कॉलेप्स हुआ उसके बाद लगातार 15 दिन मैंने हर अखबार पढ़ा, देखें हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, देखें हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं, देखें हिंदुस्तान के वो तमाम अर्थशास्त्री क्या कहते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में ढोल पीट पीट कर ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था, और देखें हिंदुस्तान के वो बड़े इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं जो इस देश में उद्योगपतियों के सुरक्षा का दावा करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कहते हैं साउथ कोरिया के बारे में। आज तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। ऐसो कैंप में मैं गया, मैंने पूछा कि क्यों नहीं बोलते इस पर। कहने लगे राजीव भाई किस मुंह से बोले। फिक्की के लोगों को कहा कि आप क्यों नहीं बोलते इस पर, तो कहने लगे किस मुंह से बोले, हम ही तो थे जो ढोल पीट पीट के कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन हिंदुस्तान में स्वर्ग ले आएगा, अब हम कैसे कहें इस बात को। और अब साउथ कोरियन फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट को मैं कोट करना चाहता हूं, उनका यह कहना है कि पिछले 7 साल में जो बर्बादी हो गई है हमारी अर्थव्यवस्था की, इस बर्बादी को अगर हम ठीक करें और अपने देश को फिर से खड़ा करने की कोशिश करें तो हमको कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ऐसे ही मैं दूसरा उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वो देश है जहां स्टेबल गवर्नमेंट है पिछले 40 साल से, 45 साल से। बहुत लोगों को यह गलतफहमी है इस देश में कि हमारे यहां चूंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है इसलिए इस देश में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। मैं इस मिथक को दूर करना चाहता हूं। इंडोनेशिया में पिछले 45 साल से भयंकर स्टेबिलिटी है और पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता चला आ रहा है, सुकर्णो। 7 बार वो राष्ट्रपति बन चुका है और वहां के एक बार के राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होता है, तो 35 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति है और फिर 8वीं बार दोबारा वो चुन लिया गया है अभी हफ्ते भर पहले। तो साउथ कोरिया की तो बात हम कह सकते हैं कि वहां अनस्टेबिलिटी थी, गवर्नमेंट कई बदली है, ये बात सही है। पिछले 7 साल में साउथ कोरिया में 4-5 गवर्नमेंट बदली। लेकिन इंडोनेशिया के बारे में हम कैसे ये कहें? इंडोनेशिया में तो पिछले 35 साल से एक ही व्यक्ति बार बार राष्ट्रपति बनता रहा है और उसी की सरकार पिछले 35 साल से चल रही है और 8वीं बार वो फिर प्रेसिडेंट बन गया है, तो वहां तो भयंकर स्टेबिलिटी थी। फिर क्यों डूबा इंडोनेशिया? इंडोनेशिया की सरकार को भी प्रेस्क्रिप्शन यही मिला था IMF की तरफ से कि आप एक काम करिए, अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करना शुरू कर दीजिए, आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे आपके पास, आपके फॉरेन रिजर्व्स बहुत अच्छे हो जाएंगे वगैरह वगैरह, और आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो इंडोनेशिया की सरकार ने पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया
और पूरी ईमानदारी से जब उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहां तक ले गए वो अपने देश को। इंडोनेशिया में जब ये ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय उनकी जो करेंसी थी, इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया, हमारी करेंसी है रुपया, तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया वो एक डॉलर में 40 रुपया होता था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, धनाधन डिवेल्युएशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आईएमएफ का प्रेस्क्रिप्शन था कि जितना ज्यादा डिवेल्युएशन आप करेंगे उतना ही आपका एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता जाएगा और ज्यादा माल आपका बिकता चला जाएगा। तो डिवेल्युएशन करते 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 कहां तक ले आए आप इमेजिन कर सकते। इस समय इंडोनेशिया में एक डॉलर में 17,000 रुपया मिलता है। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डिवेल्युएशन किया अपनी करेंसी का, और इस उम्मीद में कि चलो इस साल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चलो अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा, फिर अगली साल बढ़ेगा। तो 7 साल से वो सपना देखते हुए आए हैं कि अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया, अब देखो एक्सपोर्ट बढ़ गया। और इस समय स्थिति यह है इंडोनेशिया की कि उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप है। और अब इंडोनेशिया में कह दिया वहां के प्रेसिडेंट सुकर्णो साहब ने कि हमने अपने जीवन में ब्लंडर्स किए जो आईएमएफ के कहने पर ग्लोबलाइजेशन हमने चालू किया अपने देश में। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंटशिप की शपथ लेने के तुरंत बाद उसने जो भाषण दिया है इंडोनेशिया की पार्लियामेंट में, उसके शब्द ये हैं कि हमने ब्लंडर्स किए हैं, माने भयंकर भूल की है, जो आईएमएफ के कहने पर अपने देश में ये ग्लोबलाइजेशन चालू किया हमने। नतीजे क्या निकले हैं, इंडोनेशिया भी पूरी तरह से डूब चुका है, और वहां की सरकारें भी कह रही हैं कि अब इस देश को वापस खड़ा करने में कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। इंडोनेशिया की खबरें भारत में करीब करीब रुकी हुई हैं, क्योंकि हमारे देश के अखबारों में अभी इतनी चेतना का स्तर नहीं उठ पाया है कि जिन देशों में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका कवरेज ठीक से करें। कभी कभी घटनाएं आ जाती हैं छिटपुट, जैसे अभी परसों में देख रहा था एक फोटोग्राफ है इंडोनेशिया का कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है और किसानों का भयंकर प्रदर्शन हो रहा है पार्लियामेंट के बाहर, तो आर्मी खड़ी हुई है तोप लेकर, वो फोटोग्राफ मैंने देखा एक अखबार में। खबर क्या है, खबर नहीं है, खबर का ब्लॉक आउट किया गया है, बस दो लाइन में लिख दिया गया है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जो वहां भयंकर बेरोजगारी हुई है, गरीबी पैदा हुई है और लोगों में जो मारामारी पैदा हो गई है, उसकी वजह से रोज पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन होते हैं, रोज पुलिस का लाठीचार्ज होता है, रोज आर्मी अपने डंडे बरसाती है, गोले चलते हैं, बारूद चलती है, बंदूकें चलती हैं और रोज लोग मरते हैं, उसका एक नमूना है। और एक और देश है थाईलैंड, उसकी तो गजब ही कहानी है ग्लोबलाइजेशन। थाईलैंड ने 1990 में शुरू किया था ग्लोबलाइजेशन, और थाईलैंड की इकोनॉमी तो इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की तुलना में सिटी कंट्री की इकोनॉमी है, हमारी तुलना में भी दो जिलों की इकोनॉमी जैसी है थाईलैंड की इकोनॉमी। लेकिन उन्होंने भी इसी दौड़ में शामिल होकर कि अब देखिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा, हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी के, अगर हम नहीं दौड़ेंगे सबके साथ तो हम तो पीछे रह जाएंगे। तो इसी डर में इंडोनेशिया की सरकार के साथ साथ थाईलैंड की सरकार ने भी कदम से कदम मिला के चलना चालू कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि मेंढक जो है अगर हिरन की तरह से दौड़ना शुरू करे तो नुकसान मेंढक का ही होने वाला, हिरन का नहीं होने वाला। अब वो चालू हो गए। हमारे देश में भी कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो कहते हैं कि हम पीछे थोड़ी रह सकते हैं किसी से, अमरीका दौड़ रहा है, यूरोप दौड़ रहा है, तो हमको भी तो दौड़ना है उनके साथ, आखिरकार आप 18वीं शताब्दी में थोड़ी जी सकते हैं। तो ऐसे ही थाईलैंड में भी उनके लगे, सरकार को लगा कि पीछे थोड़ी रह सकते हैं, तो जो कुछ पड़ोस में हो रहा है हम भी करेंगे, तो पड़ोसी के घर में ये हो रहा है तो हम भी करेंगे अपने घर में, तो थाईलैंड की सरकार भी चालू हो गई ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। अब उन्होंने भी डिवेल्युएशन करना चालू कर दिया। उनके यहां क्या एक शौक लगा थाईलैंड की सरकार को कि हमारे आजू बाजू की सरकारें बहुत शॉर्ट टर्म लोन ले रही हैं, हम भी लोन ले लें चलो, तो उन्होंने भी चालू कर दिया लोन लेना। और ऐसा लगा बीच के 3-4 साल कि थाईलैंड में जो जितना ज्यादा लोन ले आए वही सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर वहां पे। हमारे देश में भी ऐसा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा विदेशी कर्जे के गड्ढे में पहुंचा दे उसी को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं इस देश। तो यही थाईलैंड में भी हो गया। तो उन्होंने भी लोन लेना चालू कर दिया, देखा देखी पड़ोसी देशों से गौड़ने के चक्कर में। अब वहां क्या हुआ है, अब वो भी बेचारे डूब गए हैं कहते हैं। लोन इतना ले लिया है थाईलैंड की गवर्नमेंट ने, उसका ब्याज चुकाने का पैसा नहीं है, इतनी उनकी नेशनल इनकम नहीं है। अब नेशनल इनकम नहीं है, विदेशी कर्जे का ब्याज नहीं चुका सकते, तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने तो एक अद्भुत काम किया है जिसको मैं दुनिया में एकदम एक्सट्रीम मानता हूं।
क्या किया उस प्राइम मिनिस्टर ने, एक दिन उसने पार्लियामेंट में घोषणा की कि चूंकि हमने ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन कर दिया तो उसमें तो अब देश तो डूब ही गया है, विदेशी कर्जा बहुत चढ़ गया है, इसका ब्याज भी चुकाना है हमको, और अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको बेचकर हम अपने विदेशी कर्जे का ब्याज चुका सकें, तो अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहा है उनके पार्लियामेंट में कि हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि थाईलैंड में प्रोस्टिट्यूशन को लीगल बिजनेस बना दिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर कह क्या रहा है, सुनिए उसके शब्दों को, कि हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको बेचकर हम हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज को चुका सकें, तो अब हम हमारी माताओं और बहनों के शरीरों को बेचेंगे, उससे कुछ डॉलर्स आएंगे, उससे विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाएंगे। बहुत खुशी की बात है। और अंत में उसने एक बुद्धिशाली बात कही, बुद्धिमता का स्टेटमेंट उसका है, उसने कहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। ये थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर कह रहा कि मैं भारत सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो इस ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर जितनी जल्दी हो चलना बंद कर दे, नहीं तो भारत का जो नुकसान होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारा देश तो भारत की तुलना में सिटी कंट्री है, और सही बात है, हमारे देश के दो जिलों के बराबर है थाईलैंड। तो वो कह रहा हमारा देश तो भारत की तुलना में एक सिटी कंट्री है, हम डूबे हैं तो इतना भयंकर नुकसान हुआ है, अगर भारत डूबेगा तो कल्पना नहीं कर सकते क्या होगा। ये थाईलैंड की हालत है। और इन सब देशों की हालातों को समझकर एक और उदाहरण ले लें, कभी कभी किसी को गलतफहमी हो सकती है कि राजीव भाई आपने ये जितने उदाहरण दिए सब एशियन कंट्रीज के उदाहरण है, तो थोड़ा एशिया से दूर चलिए, लैटिन अमेरिका में चलते हैं, वहां देखें क्या हो रहा है। तो लैटिन अमेरिका में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन करने वाला सबसे बड़ा देश कोई था, तो उसका नाम था ब्राजील। ब्राजील ने 1988 से यह चक्कर चालू कर दिया अपने देश में, और 1988 से चला जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन ब्राजील में, तो उसके नतीजे क्या निकले, 1995 में आके पूरा का पूरा ब्राजील की इकोनॉमी कॉलेप्स हो गई। इंडोनेशिया कॉलेप्स हुआ, मलेशिया कॉलेप्स हुआ, साउथ कोरिया कॉलेप्स हुआ, लास्ट ईयर ब्राजील उसके करीब दो साल पहले कॉलेप्स हो चुका 95 में। और पूरी की पूरी ब्राजीलियन इकोनॉमी जब डूब गई तब वहां एक नए तरह की रेनेसांस की बात हुई। और क्या हुआ, एक बिल्कुल यंग एज का 35 साल 37 साल का एक नौजवान निकला वहां से ब्राजील में, और उसने एक नारा दिया, बी ब्राजीलियन एंड बाई ब्राजीलियन, माने स्वदेशी उनके लिए, और चला ब्राजील में 2.5 साल स्वदेशी का आंदोलन। उस आंदोलन की गर्मी पर वो नौजवान प्रेसिडेंट बनकर पहुंचा, ब्राजील के पार्लियामेंट में पहुंच गया, और उस नौजवान ने पूरे देश की इकोनॉमी को बिल्कुल यू टर्न दे दिया है, और ब्राजील की इकोनॉमी को उस नौजवान ने, जो जिसको पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है बिल्कुल, लेकिन अपने देश से प्यार है उस आदमी को, उसकी देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं हो सकता, उसने कहा कि यह दुनिया में कौन कहता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर चलकर ही विकास होता, और यह दुनिया में कौन कहता है कि अमेरिका जिस रास्ते से चलकर विकसित हुआ है उसी रास्ते पर चलकर हम विकसित होंगे, ये कौन कहता है कि यूरोप में जो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं वही अर्थशास्त्र की परिभाषाएं सारी दुनिया पर लागू होंगी एक साथ, यूरोप की जो परिस्थितियां हैं अमेरिका की जो परिस्थितियां हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से बिल्कुल फर्क है। तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है उसको मैं प्रणाम करता हूं, उस आदमी की इंटेलिजेंसी की मैं दाद देता हूं, उसने ये कहा मालूम है तो मुझे मेरे देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, और उसने बिल्कुल यू टर्न दिया, और IMF वर्ल्ड बैंक वालों को उसने एक दिन ललकार के कहा, इस बात को हमारे देश में दबाया गया है, इस देश के अर्थशास्त्री भी इस पर बोलते नहीं है, हमारे यहां कई लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव है, लेकिन उसने कह दिया और करके दिखाया। उसने क्या किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जितना कर्ज लिया था ब्राजील में पुरानी सरकारों ने, उसका उसने हिसाब लगाया, और हिसाब जब उसने लगाया तो उसको पता चला कि जितना कर्जा उसकी पुरानी सरकारों ने लिया है उसका 3 गुना तो उसने चुका दिया है। तो उसने ताल ठोक के सबसे पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि मैं एक पैसा वापस करने वाला नहीं वर्ल्ड बैंक और IMF का, किसी को कुछ करना है तो कर ले। बहुत टीका हुई सारी दुनिया में, और बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो प्रो अमेरिकन और प्रो यूरोपियन लॉबी के अर्थशास्त्री हैं, जिनके स्कूल ऑफ थॉट्स में वही बातें चलती हैं जो हार्वर्ड स्कूल में चलती हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में चला करती हैं, उन्होंने आलोचना करना शुरू किया कि अरे ये कैसे हो सकता है,
आपने जो कर्ज लिया है आपकी वो लाइबिलिटीज है, आप उसको चुकाएंगे नहीं तो आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। उसने दो टूक बात कहना शुरू किया कि मैंने जितना कर्ज लिया है उससे तीन गुना ज्यादा मैंने चुका दिया है, इसलिए मेरा कर्ज तुम्हारे ऊपर है, वो वापस करो पहले मुझे। और घोषित रूप से उसने कह दिया कि अमरीका में अगर दम है तो ब्राजील पर आक्रमण करके देख ले, क्योंकि ब्राजील अमरीका के बिल्कुल नजदीक है। और दूसरा काम उसने क्या किया, एक एक करके अमरीकन कंपनियों को बिना मुआवजा दिए, बिना कंपेंसेशन दिए मार मार के भगाना शुरू किया अपने मार्केट से। पेप्सी कोला भागा वहां से, कोका कोला भागा वहां से, कॉपर कोनेकोट कॉरपोरेशन भागा वहां से, गुडियर भागा वहां से, जनरल मोटर्स भागा वहां से, जनरल इलेक्ट्रिक भागा वहां से। और उसने घोषणा कर रखी थी, एक युद्ध छेड़ रखा था कि अगर आप गए नहीं तो मैं आपकी संपत्ति जब्त करूंगा। वन पॉइंट प्रोग्राम उसने चलाया और उसने कहा कि मुझे मेरे देश की अर्थव्यवस्था की बातें अब समझ में आती हैं, मुझे क्या करना है ये मुझे तय करना। उसकी सुविधा यह थी कि उसके पास मेजोरिटी बहुत अच्छी थी पार्लियामेंट में, तो उसके पास मुश्किल नहीं थी किसी का वो विरोध खड़ा होगा। तो उसने एक एक करके वो सारी चीजें अपने देश में लागू की। और सबसे अंतिम चीज जो मैं आपको उसकी बताना चाहता हूं, आप आश्चर्य करेंगे, उसने कहा कि दुनिया में कौन तय करता है कि डॉलर रिवैल्यू होगा और मेरा करेंसी डिवैल्यू होगा, ये कौन तय करता है? मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट डॉलर के साथ क्या होगा। हाँ, ये उसने कहा। और उसने कहा कि मैं तय करूंगा कि मेरी करेंसी का रेट क्या होगा, ये अमरीका थोड़ी तय करेगा कि मेरी करेंसी का रेट अमरीकन करेंसी की तुलना में क्या होगा। तो उसने पूरी हिम्मत के साथ अपनी करेंसी का रिवैल्यूएशन करना शुरू किया। और आज आपको मैं जानकारी दे दूं कि ब्राजील की करेंसी है क्रूजर, $1 = 1 क्रूजर है इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार। और उसने कैलकुलेशंस भी किए, उसने कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का है और जो ट्रेड डेफिसिट मेरा है, इस पर से कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। और कोई उसके कैलकुलेशंस को चैलेंज नहीं कर पाया। और उसने उस दिन से कहा कि गरीब दुनिया के सभी देशों की सरकारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपने अपने कान खोलें, आंखें खोलें और इन सारे हिसाबों को करना शुरू करें, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है डिवेल्युएशन के नाम पे। और आज मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1995 में जो ब्राजील कॉलेप्स हो चुका था पूरी तरह से, 1998 जनवरी में वो ब्राजील अब लैटिन अमेरिका में सबसे मजबूत इकोनॉमी बन रहा है। और दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल उसके सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं और कह रही हैं कि आप अपनी शर्तें बताइए, हम आपकी शर्तों पर आना चाहते हैं आपके बाजार। तो जानते हैं क्या कहता, मार्केट मेरे पास है इसलिए टर्म्स कंडीशन मैं डिक्टेट करूंगा, आपको मेरा मार्केट चाहिए, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और हमारे यहां बहुत जो खिसियानी हसीन हंसने वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं बैगर्स आर नो चूजर्स, हम बैगर्स नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट के मालिक हैं हम, तो हम टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करेंगे। ये उसने कहा कि मेरे पास सबसे बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट अमेरिका में नहीं है, इतना बड़ा मार्केट यूरोप के देशों में नहीं है जितना बड़ा मेरे पास है। और उसने एक काम और किया कि उसने क्या किया कि उसके आजू बाजू के जो देश हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया, इनके साथ एक पैरेलल गेट बना लिया है उसने। और उस गेट के बाहर अमेरिका को कर दिया उसने, पहले तो बाहर कर दिया अमेरिका को कि अमेरिका की कोई जरूरत नहीं, फिर अमेरिका वाले सामने से आके सरेंडर करके कि अरे भाई हमको भी शामिल करो इसमें, अगर हम शामिल नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी डूबने जा रही है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, अमेरिका में प्राइमरी प्रोडक्ट्स लैटिन अमेरिका से जाते हैं। अगर लैटिन अमेरिका वाले अपने दरवाजे बंद कर दें और ये तय कर लें कि हम जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स अमेरिका को भेज रहे हैं ये अमेरिका में नहीं जाएंगे, हम एशिया में भेजेंगे या यूरोप में भेजेंगे, अमेरिका दम तोड़ सकता। इसलिए अमेरिका वालों ने सामने से रिक्वेस्ट करके उनके साथ उसमें ज्वाइन करने की बात कहना शुरू किया। तो उसने अमेरिका को ज्वाइन कराया, लेकिन अमेरिका की नाक रगड़वा दी उस एक आदमी ने। और उसने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका सिर्फ कागजी शेर है, उसमें कोई दम वम नहीं है। और आज उस ब्राजील को उसने बिल्कुल यू टर्न देकर अपने तरीके के, अपने सपनों के ब्राजील को बनाने के रास्ते पर कदम रख दिया है। और वो इकोनॉमी जो चला रहा है वो इकोनॉमी कुछ ऐसी खास बात नहीं है, वो स्वदेशी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है। और वो कहता है कि कोई माल मेरे देश में पैदा होता है और मेरे देश की इकोनॉमी में, मेरे देश के लोगों को उससे रोजगार मिलता है, तो मैं क्यों ना वो माल इस्तेमाल करूं, विदेशी माल क्यों खरीदूं अपनी मार्केट। ये उसका एक छोटा सा सर्वमान्य प्रिंसिपल है। तो ये दो परिस्थितियां अलग अलग, कि एक तरफ एशियन देश हैं जो डूबे हैं
और एक तरफ लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा बर्बाद होकर उभर रहा है ब्राजील। ये दो कहानी हम सबके सामने है और तब इन दो कहानियों के रेफरेंस के साथ मैं मेरे देश की चर्चा आपसे करना चाहता हूं कि मेरे देश में क्या हो रहा है। मेरे देश में भी 1991 से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हमारे यहां भी ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हमारे देश की इकोनॉमी में जो रिसेशन आया था 1990-91 में, उस रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई थी। इसको मत भूलिए, बार बार मैं रेखांकित करना चाहता हूं। 1990 के इकोनॉमिक रिसेशन को दूर करने के लिए ग्लोबलाइजेशन हुआ था, एक बात। और दूसरी बात, हमारे पास इंपोर्ट बिल भरने का पैसा नहीं है, सिर्फ 3 सप्ताह का बिल हम दे सकते हैं, इतनी हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी है, इतनी बीओपी क्राइसिस है। तो इस बीओपी क्राइसिस को दूर करना है तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाना ही पड़ेगा। इन दो बातों के साथ इस देश में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था। तो क्या क्या किया हमारी सरकार ने? हमारी सरकार ने वो सब कुछ लागू किया जो आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा। बस इतनी सी बात थी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने जो कुछ हमारी सरकारों से कहा उसको थोड़े कम स्पीड से इस देश में लागू किया गया, अच्छा ही हुआ, नहीं तो हमारी हालत अब तक साउथ कोरिया जैसी हो गई होती, देर नहीं लगी होती हमको भी वो हालत में पहुंचने में। तो शुरू हुए इस देश में रिफॉर्म्स। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, करेंसी का डिवेल्युएशन किया गया। तर्क क्या था उसके पीछे, कि हम जब भारतीय करेंसी का अवमूल्यन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डॉलर्स बहुत आएंगे, डॉलर्स बहुत आएंगे तो हम इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे, इंपोर्ट अच्छे से कर सकेंगे तो टेक्नोलॉजी अच्छी आ सकेगी, वगैरह वगैरह, फिर उसके साथ ढेर सारी बातें जुड़ी हुई हैं। तो मैं जानना चाहता हूं आप सबसे, आप तो सब ज्यादा विद्वान लोग हैं, आप तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो अर्थशास्त्र ज्यादा समझता नहीं, कि 1990 में जो इकोनॉमिक रिसेशन था मार्केट में और आज जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इसके बारे में आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं? फिक्की के लोगों का यह मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, फिक्की में मेरा लेक्चर हो चुका है पिछली बार बंबई में, और एसओकेएम के भी लोग भी उसमें आए थे, उनका यह मानना है कि राजीव भाई 1990-91 में जो रिसेशन था भारत के बाजार में, उससे कम से कम 10 टाइम्स ज्यादा रिसेशन इस समय है भारत के बाजार में। और मैं बिना नाम लिए हुए कहना चाहता हूं, इस देश के एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक जिनका टर्नओवर कम से कम 2.5 से 3 हजार करोड़ के आसपास है, उनका यह कहना है और ये सभी लोगों का कहना है, मैं तो जहां जाता हूं सबसे यही सुनता हूं, राजीव भाई पिछले 40 साल में ऐसी आर्थिक मंदी मैंने नहीं देखी भारत के बाजार में जो 1.5 साल से चल रही है। तो पिछले 40 साल में ऐसी मंदी अगर नहीं आई भारत के बाजार में जो पिछले 1.5 साल से चल रही है, तो प्रश्न उठता है कि हमारे यहां तो ग्लोबलाइजेशन मंदी दूर करने के लिए शुरू हुआ था। तो जब ग्लोबलाइजेशन इस देश की मंदी दूर करने के लिए हुआ था शुरू, तो मंदी ही इस देश में अगर ज्यादा बढ़ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत रास्ते पर आप चल रहे हैं? अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं, दवा लगातार खाने के बाद भी आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या बुद्धिमानी आप करना पसंद करेंगे? उसी डॉक्टर पर भरोसा करेंगे जो टेम्परेचर इतना बढ़ा चुका है कि आपकी मृत्यु हो जाए, या कोई नया डॉक्टर पसंद करेंगे? बुद्धिमत्ता क्या कहती है? अगर आप इडियट होंगे तो वो जो डॉक्टर पिछले कुछ वर्षों से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी को एक्सपेरिमेंट करते देने देंगे, और हो सकता है उसमें आपका घर भी चला जाए, आपका स्वास्थ्य भी चला जाए और आप भी चले जाएं। और अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत अपना डॉक्टर बदलेंगे, क्यों? क्योंकि आपको डॉक्टर की बुद्धि पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। मान लीजिए बीमारी आपको कुछ और है और डॉक्टर दवा कुछ और दे रहा है, तो उसका साइड इफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको तुरंत लगेगा कि शायद डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत हो। या यह भी लग सकता है कि डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत नहीं हो लेकिन डॉक्टर ने जो दवाएं प्रेस्क्राइब की हैं वो गलत हो। तो आप एक नहीं दसियों डॉक्टर्स बदलना पसंद करेंगे, क्योंकि अपने जीवन के साथ रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो देश की जिंदगी के साथ रिस्क कैसे लिया जा सकता? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करता हूं इस देश के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से जिनको अब जवाब देने के लिए जगह नहीं है इस देश में, जिन्होंने कभी ग्लोबलाइजेशन का समर्थन किया था, मैं उनसे सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि 1990 में जो मंदी थी वो मंदी दूर करने के लिए अगर आपने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किया था तो मंदी दूर क्यों नहीं हुई, उल्टे मंदी और बढ़ क्यों गई? और दूसरा कि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट था, जो खाता था, उसमें जो विदेशी मुद्रा थी हमारे पास कितनी थी, कितनी विदेशी मुद्रा थी? तो भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 1991-92 में हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का अकाउंट है उसमें 7 to 8 billion dollars था बस। तो उस विदेशी मुद्रा के खाते को भरने के लिए हमने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन चालू किया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 7 साल में हमारे विदेशी मुद्रा का खाता कितना भर गया, कितना भरा है खाता?
तो अभी भारत सरकार के फिगर्स हैं, वो ये कहते हैं कि कम से कम इस समय हमारे देश के विदेशी मुद्रा खाते में $30 बिलियन जमा है। तो वो ये कह देते हैं कि $7 बिलियन था, अब हमने $30 बिलियन कर दिया, इसका माने $23 बिलियन ज्यादा आ गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो $23 बिलियन ज्यादा आया, ये आया कहां से? तो मुझको बहुत संतोष होता कि ये आया है, भारत का माल बेचा है विदेशी बाजारों में, उससे कमाई हुई है। बहुत अच्छी बात है, आपने $23 बिलियन की कमाई की है। लेकिन फिर मैंने जब एक बार पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया, पिछला पार्लियामेंट जो डिसॉल्व हुआ, तो भारत सरकार का जवाब आया कि इसमें से अधिकांश आया है विदेशी कर्जे के रूप में। तो किस बात की पीठ ठोंके भाई आपकी? विदेशी कर्ज ले लिया है तो ये चुकाना भी पड़ेगा, ये आपकी कोई आमदनी तो है नहीं। और दूसरा, भारत सरकार का ये कहना है कि इसमें दो चीजों से ज्यादा प्रमुखता से पैसा आया है, एक तो ज्यादा आया है विदेशी कर्जे के रूप में, और दूसरा है FCNR डिपॉजिट। माने हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट जो खोला गया और विदेशों की जो वित्तीय पूंजी आना शुरू हुई, जो फाइनेंशियल कैपिटल आना शुरू हुई, उस फाइनेंशियल कैपिटल के माध्यम से कुछ पैसा आया है। तो ज्यादा पैसा विदेशी कर्जे के रूप में है और बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये फाइनेंशियल कैपिटल किसी की सगी नहीं होती। ये आज आपके मार्केट में है, कल आपके मार्केट से सिंगापुर चली जाएगी, परसों हांगकांग चली जाएगी, फिर थाईलैंड चली जाएगी, फिर टोक्यो भी चली जाएगी। ये किसी की सगी नहीं होती। फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। और किसी भी देश के बाजार में अगर ज्यादा फाइनेंशियल कैपिटल आ गया, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस देश में उत्पादकता बढ़ गई है। फाइनेंशियल कैपिटल माने सट्टा बाजारी में पूंजी ज्यादा आ गई आपके मार्केट। और अगर सट्टा बाजार में, शेयर बाजार में कुछ ज्यादा पूंजी आ गई है बाजार में, तो उससे ना तो उत्पादन बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना तो उससे रोजगार बढ़ने के संकेत मिलते हैं, ना उससे देश का GDP बढ़ने का संकेत मिलता है, ना उससे देश का एक्सपोर्ट बढ़ने का संकेत मिलता है। वो तो जुए का लक्ष्मी है, जुए की पूंजी है। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास चली जाएगी। फाइनेंशियल कैपिटल तो अपना मार्केट ढूंढती रहती है, और जो आई वो जाना शुरू भी हो गई है। जिस दिन से फाइनेंशियल कैपिटल हिंदुस्तान में से जाना शुरू हुई है, उसी दिन से हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन पर धराशायी है। एक एक महीने में कितनी फाइनेंशियल कैपिटल भारत से जा रही है। नवंबर के महीने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े बताते हैं, नवंबर 1997 में 500 करोड़ की फाइनेंशियल कैपिटल यहां से गई है एक ही महीने में। कैपिटल दो तरह की होती है, एक तो जिसको मैं असली कैपिटल मानता हूं, और एक उसको नकली कैपिटल। ये फाइनेंशियल कैपिटल वो नकली कैपिटल है, जिससे देश का ना तो उत्पादन बढ़ता है, ना देश में रोजगार बढ़ता है, ना देश का GDP बढ़ता है, कुछ भी फायदा नहीं होता। और असली कैपिटल होता है तो शायद उससे देश का कुछ फायदा होता। तो असली कैपिटल का हुआ क्या, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, 3 दिन पहले का नवभारत टाइम्स आप उठा के देख लीजिए, आज से ठीक 3 दिन पहले का। तो उसमें भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक विज्ञप्ति छपी है। क्या विज्ञप्ति छपी है? उसमें उद्योग मंत्रालय कह रहा है कि पिछले 7 साल में हमने जितने एग्रीमेंट साइन किए विदेशी पूंजी भारत में लाने के, उसमें से सिर्फ 1/4 विदेशी पूंजी आई है। माने जितने प्रपोजल सैंक्शन हुए हैं पिछले 7 वर्षों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, उन प्रपोजल्स में 25% प्रपोजल्स एक्चुअल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाए हैं। पूंजी आई कहां है फिर मार्केट? आपने तो ढोल पीटा था कि पूंजी लेके आएंगे इस देश में, पूंजी क्यों नहीं आई आपके पास? और सच्चाई यह है कि जब इस देश में ढोल पीटा जा रहा था कि विदेशी पूंजी आएगी, और यह तर्क दिया जाता था, हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री ये तर्क भी देते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट के रूप में पूंजी आए वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत कर्जे में ली गई पूंजी के, तो उसका तर्क कहां जाता है? तर्क वहां तक जाता है कि हमने अगर कर्जे के रूप में पूंजी ले ली है बाहर से, तो उस पे जो इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ता है वो ज्यादा होता है बनिस्बत बाहर से आई हुई पूंजी पर लाभांश देने के। माने विदेशों से पूंजी आए उस पर अगर डिविडेंड देना पड़े तो वो कम है बनिस्बत उसके कि बाहर से पूंजी आए और उस पर इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़े। तो हिसाब लगा लीजिए, विदेशी पूंजी आई जिस पर लाभांश देना है वो सिर्फ 24%, तो क्या हुआ इसका माने बाकी 75% कहां से आई? तो बाकी 75% आई है कर्जे के रूप में। ये सरकार खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा, 3 दिन पहले का नवभारत टाइम्स ये खबर दे रहा है। तो इसका माने ग्लोबलाइजेशन हैज फेल्ड 100%, क्योंकि जिन दो बड़े उद्देश्यों के लिए आपने ग्लोबलाइजेशन किया वो दोनों उद्देश्य पूरे नहीं हुए आपके। तो हो क्या गया है, इसके उल्टा बहुत कुछ हो गया है इस देश में, जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि पिछले 7 साल में जो कुछ इस देश में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हुआ है उस पर व्हाइट पेपर आना ही चाहिए पार्लियामेंट में,
ताकि पता तो चले कि किसने क्या क्या किया है इस देश में। तो पिछले 7 साल में क्या हो गया है, कुछ उसका एक अंदाजा हम लगा सकते कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पर पिछले 7 वर्षों में हमारी करेंसी का 120% डिवेल्युएशन हो चुका। मई के महीने में $1 $18 का था, अब $1 $40 का हो गया है, तो 120% डिवेल्युएशन हो चुका है। इसका नतीजा क्या निकला कि आपका जो निर्यात है दुनिया के बाजारों में, जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट खड्डे में जा रहा है आधे से ज्यादा। मतलब क्या है इसका कि पहले जब आप दुनिया के बाजार में $1 कमाने के लिए माल बेचते थे तो आपको $18 का माल बेचना पड़ता था, अब उसी $1 को कमाने के लिए जब आप माल बेचते हैं तो आपको $40 का माल बेचना पड़ता है। डॉलर तो एक ही आ रहा है ना, माल आपका $40 का जा रहा है। 1991 में उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको $18 का माल बेचना पड़ता था, आज उसी $1 की कमाई करने के लिए हमको $40 का माल बेचना पड़ता है। बात बहुत स्पष्ट है कि 60% सामान हमारा खड्डे में जा रहा है, माने हम मुफ्त में दे रहे हैं, उसमें से कुछ आ नहीं रहा। और एक दूसरा नुकसान क्या हुआ कि बाहर से जो हम इंपोर्ट किया करते थे वो इंपोर्ट का बिल बढ़ गया है। पहले हम अगर $1 का तेल खरीदते थे, डीजल खरीदते थे, तो उसके लिए ₹18 खर्च करना पड़ता था, अब वही $1 का डीजल और पेट्रोल खरीदने के लिए हमको ₹40 खर्च करना पड़ता है। निश्चित रूप से ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट बढ़ा है पिछले 7 साल में, और सरकार खुद कहती है कि इस देश में पिछले 7 साल में ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट लगभग 20,000 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो नुकसान सबसे बड़ा आपका क्या हुआ कि एक्सपोर्ट तो आपका बढ़ा नहीं, शायद वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ गया। इस तकनीकी बात को समझिए, पार्लियामेंट में कितना बड़ा झूठ बोला गया इन दो व्यक्तियों के द्वारा, मनमोहन सिंह और चिदंबरम के द्वारा। ये पिछले 7 साल से दोनों लोग पार्लियामेंट को गुमराह करते रहे हैं, और मैं मानता हूं कि इनके ऊपर केस चलना चाहिए। क्या गुमराह किया इन्होंने 7 साल से पार्लियामेंट में कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। जब भी सवाल आया पार्लियामेंट में, मेरे जैसे लोगों ने 3-3 बार सवाल पूछवाया कि एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है, तो हमेशा इन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो आंकड़े क्या देते थे कि पिछले साल हमने इतने टन एक्सपोर्ट किया, इस साल इतना ज्यादा। और इन दोनों लोगों को इस देश के लोग सामान्य रूप से बड़ा भारी अर्थशास्त्री बताते। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन है कि अर्थशास्त्र है, तय करें हम इसको कि 7 साल से पार्लियामेंट में आप झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता को गुमराह करते रहे कि हमारे एक्सपोर्ट्स, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट से मुझे क्या लेना देना, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बताइए कितनी बढ़ रही। अब वो बात खुली है। अब वो बात कैसे खुली है, जब सरकार जाने को हुई है तो हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी ने एक दिन कहीं कुछ कह दिया होगा, किसी पत्रकार ने उनको खींचा होगा, ग्रिल किया होगा, तो उनके मुंह से निकल गया होगा, तो उन्होंने कह दिया कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स में तो बहुत बुरी तरह से कमी आई है पिछले 7 साल। और अगर व्हाइट पेपर आए इस देश के पार्लियामेंट में तो आपको निश्चित रूप से पता चल सकेगा कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कितनी कमी आई है। तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स आपकी कम होती चली गई, इंपोर्ट्स बिल आपके बढ़ते चले गए, निश्चित रूप से क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। और 1991 में ग्लोबलाइजेशन के पहले जो ट्रेड डेफिसिट था इस देश में वो 2000 करोड़ का था, आज ट्रेड डेफिसिट भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20,000 करोड़ का हो गया। तो 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट लेकर हम बैठे हुए हैं, और ये रिकॉर्ड हुआ है। पिछले 50 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट कभी नहीं हुआ जो अभी हुआ है इस समय। दूसरा का नुकसान हुआ कि आपके देश में विदेशी कंपनियों को ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर खुली छूट मिली। क्या कह के कहा गया कि अगर विदेशी कंपनी नहीं आएगी तो कंपटीशन कैसे होगा मार्केट में, और कंपटीशन नहीं होगा तो भारतीय कंज्यूमर को फायदा कैसे मिलेगा मार्केट में। तो विदेशी कंपनियों को खुली छूट देनी ही पड़ेगी ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटिशन में आ सके। तो आप देखिए, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू शुरू हुआ था, नया नया था, तो पेप्सी आया था, कोका कोला आया था, और इस देश में उनको बुलाया गया था। उसी के साथ साथ एक इंडियन कॉम्पिटिटर भी था, पार्ले प्रोडक्ट्स, तो उसका थम्सअप था मार्केट में, उसका लिम्का था मार्केट में, कोका कोला था मार्केट में, और लहर पेप्सी था मार्केट में। तो दो बाहर से आई हुई कंपनियां थी और एक इंडियन कंपनी थी, और इंडियन कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स तो बहुत बड़ी है, इसके साथ साथ कैंपा भी था, चरणजीत सिंह वाला 77 जो बेचा करता था, और कैंपा के साथ साथ एक और था गोल्ड स्पॉट, भले ही छोटी कंपनी थी लेकिन मार्केट में कॉम्पिटिटर के रूप में तो उनकी हैसियत थी ही। तो क्या हुआ कि नया नया जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था तो ऐसा माना जाता है कि उस समय कॉम्पिटिशन नहीं था, कॉम्पिटिशन तो तब होगा जब मल्टीनेशनल को खुली छूट मिलेगी। तो उस समय क्या होता था, आप प्राइसिंग में पैरिटी करके देख लीजिए, हिंदुस्तान में जब पेप्सी नया नया बिकने के लिए आया, कोका कोला नया नया बिकने के लिए आया, तो उस समय पेप्सी की बोतल बिकती थी ₹3.25 की, ₹3.25 की पूरे देश में, कोका कोला भी ₹3.25 का था।
और थम्सअप उस समय 3.5 रुपए का था, तो थम्सअप वाले को भी अपने दाम कुछ कम करने पड़े, उसने भी 3.25 रुपए का किया। तो पेप्सी 3.25 रुपए का, कोका कोला 3.25 रुपए का, गोल्ड स्पॉट भी 3.25 रुपए का, माने नॉर्मल 3.25 रुपए से 3.50 रुपए के रेंज में सभी बोतलें बिका करती थी इस देश में। फिर क्या हुआ, चूंकि विदेशी कंपनियों को खुली छूट है, उन्होंने मार्केट में इंडियन कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया, जैसे साउथ कोरिया में हुआ। साउथ कोरिया की बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर और वहां के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को जिस तरह से अमेरिकन कंपनियों ने टेक ओवर किया, वैसे ही भारत में भी शुरू हो गया। तो क्या हुआ, एक दिन हमको अखबार में खबर मिली कि पूरा का पूरा पार्ले प्रोडक्ट चला गया कोका कोला के कंट्रोल में। अब आप जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि पेप्सी और कोका कोला अगर इस देश में कॉम्पिटिशन करने के लिए आए थे तो उन्होंने पार्ले को टेक ओवर क्यों किया। अगर आप मानते हैं कि वो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हैं तो पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं भारत के बाजार में आके, और पार्ले भी चलता, गोल्ड स्पॉट भी चलता, पेप्सी भी चलता, कोका कोला भी चलता, तभी तो मैं मानता कि कॉम्पिटिशन है। तो मेरे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि अगर वो कॉम्पिटिशन करने आए तो उन्होंने क्यों टेक ओवर किया पार्ले प्रोडक्ट को। और भारत सरकार अगर यह कहती है कि हम कॉम्पिटिशन चाहते हैं मार्केट में, तो भारत सरकार ने क्यों टेक ओवर होने दिया पार्ले प्रोडक्ट को। क्योंकि यह बात तो भारत सरकार भी जानती थी कि अगर पार्ले चला जाएगा तो उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा। गोल्ड स्पॉट की कोई औकात नहीं थी, कैंपा की कोई औकात नहीं थी, चरणजीत सिंह पहले ही सरेंडर कर चुके थे उनके सामने, और वो तो तैयार बैठे थे कि अगर पार्ले जाता है तो हम भी किसी ना किसी कंपनी के साथ कोई ना कोई ज्वाइंट वेंचर कर लेंगे। तो हुआ क्या, कॉम्पिटिशन के नाम पर मल्टीनेशनल की मार्केट में मोनोपोली एस्टैब्लिश हो, इसके लिए भारत सरकार ने खुली छूट दी और कोका कोला ने पार्ले को टेक ओवर कर लिया। पार्ले चला गया और मार्केट से धीरे धीरे जितने इंडियन कॉम्पिटिटर थे सब मार्केट से बाहर हो गए, या तो पेप्सी के कब्जे में चले गए या कोका कोला के कब्जे में चले गए। अब देखिए कितना कॉम्पिटिशन हो रहा है इस मार्केट में कि 3.25 रुपए में जो पेप्सी कोला बिकता था अब वो 10 रुपए में हम पी रहे हैं, और कह रहे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है मार्केट में, और झक मार के पी रहे हैं। क्योंकि दो ही चॉइस है, या तो पेप्सी पीजिए या कोका कोला पीजिए, और दोनों ही चॉइस आप करेंगे पैसा अमेरिका ही जाने वाला है। आपके लिए दो ही तो चॉइस है इस समय मार्केट में। आप कहेंगे मैं सिट्रा पीऊंगा, तो सिट्रा के नीचे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है, कंट्रोल्ड बाय कोका कोला। आपको लगता है मैंगो फ्रूटी पीऊंगा, तो मैंगो फ्रूटी के नीचे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी बोतल मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक की चाहे जिस नाम से बिकती हो आप पी लीजिए, पैसा आपका अमेरिका ही जाने वाला है। और मैं पूछना यह चाहता हूं आप सबसे कि 3.25 रुपए में जब पेप्सी बिकता था तब ज्यादा कंपटीशन था, या अब 10 रुपए में बिक रहा है तब ज्यादा कंपटीशन है। माने हमने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर इंडियन मार्केट में मल्टीनेशनल को मोनोपोली बनाने की खुली छूट दी है। तो दूसरा बड़ा झूठ इस देश के लोगों से यह बोला गया है कि हम मल्टीनेशनल्स को बुला रहे हैं तो कंपटीशन होगा मार्केट में। आपने कंपटीशन के लिए नहीं बुलाया, आपने उनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए मार्केट में बुलाया। ऐसे एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि ढेर सारी कॉस्मेटिक्स की अमेरिकन कंपनियां इंडियन मार्केट में आई हैं, उनमें सबसे बड़ी कंपनी है रेवलॉन, अमेरिका की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक्स की कंपनी, उसको आपने मार्केट में खुली छूट दी। तो क्या कॉम्पिटिशन था, जब रेवलॉन मार्केट में आया तो हिंदुस्तान लीवर भी था मार्केट में, जो आधा विदेशी आधा स्वदेशी मानता था, अब तो उनकी मेजोरिटी इक्विटी हो गई है मार्केट में। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था किसी मल्टीनेशनल के लिए वो था लैक्मे, टाटा घराने का, और लैक्मे का जो मार्केट का कंट्रोल था उसकी कल्पना हम कर नहीं सकते क्योंकि अब तो चला गया। लैक्मे जो है एक जमाने में इंडियन कॉस्मेटिक्स के मार्केट में कम से कम 80% पे अपना अधिकार रखता था। तो मार्केट में आपने विदेशी कंपनियों को खुली छूट दी, झूठ ये बोला सारे देश के लोगों के साथ कि हम कंपटीशन करवाना चाहते हैं मार्केट में, और वो कंपटीशन करते 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 एक दिन हमने अखबार में सवेरे ही सवेरे पढ़ा कि लैक्मे भी चला गया विदेशी कंपनी के कब्जे में, हिंदुस्तान लीवर ने उसको भी टेक ओवर कर लिया। तो फिर प्रश्न यही मन में आता है कि जब हिंदुस्तान लीवर मार्केट में था, रेवलॉन मार्केट में आया और हमारे देश का लैक्मे था, तब कंपटीशन ज्यादा था या अब कंपटीशन ज्यादा है जब लैक्मे पूरी तरह से विदेशी हो गया। ठीक यही कोशिश हुई एशियन पेंट्स के साथ, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। आईसीआई कंपनी ने एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की पूरी कोशिश की, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। एक भारतीय शेयर होल्डर के मन में थोड़ी राष्ट्रीयता पैदा हो गई, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं बेचूंगा। ऐसे हालांकि कम लोग मिलते हैं इस देश में।
तो वो कोशिश उनकी फेल हो गई। अदरवाइज तो इस देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डोमेस्टिक कंपनी जो पेंट्स बनाती है एशियन पेंट, वो चली गई होती आईसीआई के कंट्रोल में। तो कंपटीशन हो कहां रहा है? मार्केट में तो मोनोपोली होती चली जा रही है, हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने मोनोपोली हो रही है। कंपटीशन देने वाला पहले कभी टॉमको हुआ करता था मार्केट में, वो टॉमको चला गया हिंदुस्तान लीवर के पेट में। तो कंपटीशन देने वाले इस देश में जो 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर थे वो तो जा चुके हैं पिछले 7 साल में विदेशी कंपनियों के पेट में। तो कंपटीशन हुआ है कि मोनोपोली एस्टेब्लिश हुई है मार्केट में। और मैं आपको एक जानकारी के लिए कह दूं कि विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां कभी भी कंपटीशन में विश्वास नहीं रखती, ये आप जान लीजिए। वो हमेशा कार्टेलाइजेशन में विश्वास रखते, वो कार्टेल्स बनाते। और ये जो चक्कर हमारे देश में चल रहा है कंपटीशन के नाम पर कंट्रोलिंग का, पूरी इकोनॉमी को, पूरे मार्केट में मोनोपोली का, ये चक्कर इस समय अमेरिका में भी चल रहा है और यूरोप में भी चल रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में मर्ज कर रही हैं, आईबीएम और आईसीएल दोनों के मर्ज होने की तैयारी चल रही है इस समय। बोइंग और जनरल मोटर्स आपस में मर्ज करने को तैयार बैठे हैं। रथियन कॉरपोरेशन मर्ज करना चाहता है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ। तो सारी के सारे अमेरिकन इकोनॉमी में हम देख रहे हैं कि सिवाय कार्टेलाइजेशन के कुछ हो नहीं रहा है। और वहां क्या हो रहा है, जो भी कंपनी मार्केट में कंपटीशन दे सकती है उसको या तो टेक ओवर कर लो या मार्केट से उसको आउट कर दो। आइदर कोऑप्ट और करप्ट, यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, वही प्रिंसिपल मार्केट में मल्टीनेशनल्स के माध्यम से, कि या तो इंडियन कंपनियों को टेक ओवर कर लो या उनको मार्केट से आउट कर दो किसी भी तरीके से, ये इनके इन प्रकार है। तो कंपटीशन हुआ कहां है मार्केट में पिछले 7 साल में? और फिर एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं आपसे कि कंपटीशन किसका किसके बीच हो सकता है। कंपटीशन शब्द की डेफिनेशन है, अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो कोई 19-20 का पार्टनर हो तो उनमें कंपटीशन हुआ करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ बेन जॉनसन खड़ा है और दूसरी तरफ एक टांग वाला कोई नौजवान खड़ा है और आप कहो कि 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ो, वहां कंपटीशन नहीं हुआ करता कभी भी। मैं कहना यह चाहता हूं कि एक तरफ तो दुनिया के 56, 60, 70, 75 देशों में व्यापार करने वाले मल्टीनेशनल्स हैं जिनका एक एक साल का टर्नओवर भारत सरकार के नेशनल बजट से कई कई गुना ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो 50,000 में, 1 लाख में, 10 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में काम करती हैं। तो 1 करोड़ 2 करोड़ में काम करने वाला आदमी 500 करोड़ वाले के साथ कॉम्पिटिशन करेगा कि उसके पेट में समा जाएगा? कैसे संभव है ये? तो आप कंपटीशन शब्द का बेइज्जती कर रहे हैं कहकर कि हमारे स्मॉल स्केल को उनके साथ कंपटीशन करना चाहिए, वो तो कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ संभव हो सकता है, हमारे देश के जो जायंट्स पब्लिक सेक्टर हैं वो कर सकते हैं कंपटीशन मल्टीनेशनल के साथ, उनमें ये ताकत है। और हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर मल्टीनेशनल से कंपटीशन करने की शक्ति रखते हैं, जिनकी ये क्षमता है, उन्हीं पब्लिक सेक्टर्स को जानबूझकर भारतीय बाजार से बर्बाद करने की चाल चली जा रही है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि अमेरिका की एनरॉन कंपनी को अगर टक्कर दे सकता है तो बीएचईएल दे सकता है। बीएचईएल में यह कुवत है कि वो एनरॉन को टक्कर दे सके। और बीएचईएल वालों का यह दावा है कि हमसे आप बिजली पैदा करवाओ तो 1.70 रुपए यूनिट में हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन बीएचईएल का आप प्रपोजल नहीं लेंगे, एनरॉन का लेंगे, क्योंकि वो 4.5 रुपए यूनिट में बिजली देने वाला है। और आप कहोगे कि बीएचईएल कॉम्पिटिशन करे एनरॉन के साथ, वो कैसे संभव है? छोड़ दो ना मार्केट में। अगर आप ये विश्वास करते हो कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, तो आपने टेंडर्स इनवाइट क्यों नहीं किए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर से? क्यों आपने एनरॉन के साथ एग्रीमेंट होने दिया इस देश में? हो जाने देते, टेंडर्स इनवाइट होने देते, जिसका सबसे लोएस्ट बिड निकलता उसको प्रोजेक्ट मिलता, वो तो हुआ नहीं इस देश में। कॉम्पिटिशन हो कहां रहा है इस देश में? कॉम्पिटिशन के नाम पर आपके मार्केट में मोनोपोली स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और हमको जितनी देरी से समझ में आएगा उतना ही इस देश का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका होगा। क्योंकि अब तक 36 बड़े इंडस्ट्रियल एम्पायर जा चुके हैं विदेशियों के कंट्रोल में, और अगले 2-3 साल यही चलता रहा तो जो बचे कुचे हैं वो भी चले जाएंगे विदेशियों के पेट में। और तीसरी एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ, इसने भारत के बाजार में, जैसे मैंने आपसे कहा, बहुत लोग कहते हैं कि अमेरिका ने देखो कितनी फ्री बना दी है अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी। मैं आपको जानकारी दे दूं, अमेरिका में एंटी डंपिंग के जो कानून चलते हैं इस समय, वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं।
अमेरिकन मार्केट में कोई भी कंपनी डंप नहीं कर सकती, और अमेरिकी सरकार ने सबसे मजबूत डिपार्टमेंट इस समय कोई बनाया हुआ है तो एंटी डंपिंग का डिपार्टमेंट है उनके यहां। और एंटी डंपिंग का जो लॉ है अमेरिका में, वो अभी मैंने देखना शुरू किया है कि देखें उन्होंने क्या किया है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा चक्कर आ जाएगा कि जिस अमेरिका के बारे में आपको गलत फहमी से प्रचार किया जाता है कि वो फ्री इकोनॉमी में विश्वास करने वाला देश है, अमेरिका 100% प्रोटेक्शन की इकोनॉमी में विश्वास करता है। और उसका सबूत है कि उन्होंने अपने देश में एंटी डंपिंग का कानून जो कभी बनाया हुआ था उन्होंने 40 साल पहले उसको रिन्यू किया है और उसको इतना सख्त बना दिया है कि दुनिया के कोई भी देश का माल अमेरिकन मार्केट में डंप नहीं हो सकता। और अगर आपने डंप करने की कोशिश की तो वो आपको सबक सिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार हिंदुस्तान के स्कर्ट्स एक्सपोर्ट करने वाले लोगों ने अमेरिकन मार्केट में स्कर्ट्स को डंप करने की कोशिश की तो अमरीकी सरकार ने बहुत सख्ती के साथ अपने कानून का इस्तेमाल किया उसका, और उसका नतीजा क्या निकला, दो तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया। एक तो पेनल्टी लगा दी जो इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिकन मार्केट में काम करने वाले थे, दूसरा इंडियन स्कर्ट्स के बॉयकॉट का नारा भी दे दिया बिल क्लिंटन ने। और एक दिन बिल क्लिंटन ने वॉशिंगटन डीसी चौराहे पर इंडियन स्कर्ट्स की होली जला दी और पूरे अमेरिकन लोगों से कहा कि बॉयकॉट अमेरिकन स्कर्ट्स, क्यों, क्योंकि वो डंप कर रहे हैं हमारे मार्केट में। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स सीधे हो गए, जो डंप करने की कोशिश कर रहे थे वो बिल्कुल सीधे हो गए। और अब अमरीकी शर्तों पर यहां से स्कर्ट जा रहा है, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहां से जितना स्कर्ट जा रहा है अमरीका में उसका कोटा फिक्स है, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। हिंदुस्तान से जितना बेस्ट क्वालिटी का टेक्सटाइल और कपड़ा अमरीका में जाता है, यूरोप में जाता है, उसका कोटा फिक्स है, और आप उस कोटे से एक टका ज्यादा नहीं डंप कर सकते उनके मार्केट में। एक तरफ अमेरिका हमसे यह उम्मीद करता है कि तुम तुम्हारा पूरा बाजार खोल दो, तुम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट मत करो, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा सिस्टम आज भी चलाता है। और हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने लायक है क्या? हमारे पास एक्सपोर्ट करने लायक सबसे ज्यादा अगर है तो या तो टेक्सटाइल है या हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स है। दोनों ही स्थितियों में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है, आप इससे ज्यादा कर नहीं सकते। और कैसे अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उसकी समझ देखिए, सूझ देखिए कि भारत से कालीन निर्यात होता है, गलीचा, पता नहीं मराठी में उसको क्या कहते हैं मुझे मालूम, कारपेट, तो कारपेट हमारे देश से बेस्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट होता, अमेरिका में जाता, यूरोप में भी जाता। तो हमारे कारपेट ने जब वहां मार्केट बनाना शुरू किया तो अमेरिकन सरकार ने हल्ला मचाना शुरू किया कि इंडियन कारपेट बनाने में चाइल्ड लेबर लगता, इसलिए इसको बैन करो। तो चाइल्ड लेबर के नाम पर हमारे देश के कारपेट पर उन्होंने कोटा फिक्स कर दिया। और देखिए इनका दो मुहा चरित्र देखिए कि अमेरिका में अगर 14 साल का बच्चा फैक्ट्री में काम करता है और पढ़ाई करता है तो कहते हैं ये सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है। और मेरे देश में कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ मिलकर कालीन बनाता है अपने घर में बैठ के तो कहते हैं चाइल्ड लेबर है। ये दोहरा स्टैंडर्ड देखिए। और आपको मैं जानकारी दे दूं, आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकन इंडस्ट्रीज में इस समय लगभग 20 मिलियन बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं जिनकी उम्र 14 साल के आसपास है। कोई प्रश्न नहीं पूछता कि तुम्हारे यहां चाइल्ड लेबर है, वहां वो कहते हैं कि ये तो इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे हैं, सेल्फ सफिशियंट है, सेल्फ रिलायंट है, देखो कितना काम करते हैं, अपने पेट का भी जुगाड़ करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो मेरे देश में जब कोई बच्चा करने की कोशिश करता तो कहते चाइल्ड लेबर है। तो जहां मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकता था अमेरिकन मार्केट में, क्योंकि मेरे पास कालीन बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वहीं पर उन्होंने मार पीटना शुरू कर दिया। और फिर क्या कहना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड के अनुसार आपके यहां मजदूरी कम दी जाती है। तो आप जरा एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए, दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री जब चलती है तो उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं उनमें एक तो कैपिटल होता है, दूसरा लेबर होता है, तीसरा मैनेजमेंट होता है, चौथा रॉ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और पांचवा होती है विल पावर माने संकल्प शक्ति। तो किसी देश के पास कैपिटल ज्यादा है, किसी देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, किसी देश के पास लेबर ज्यादा है, किसी देश के पास अपनी विल पावर ज्यादा, वगैरह वगैरह। तो ये तो पैरामीटर्स है ना किसी भी इंडस्ट्री को चलाने वाले। तो अमरीका हमसे यह उम्मीद करता है कि आप अमरीकन पूंजी के लिए भारत के बाजार को खुला छोड़ दीजिए। तो इसके पलट के मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका के पास चूंकि कैपिटल सरप्लस है तो मेरे पास लेबर सरप्लस है, तो अमेरिका अपना दरवाजा खोले मेरे लेबर्स को जाने के लिए।
तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, अदरवाइज ग्लोबलाइजेशन होने वाला कैसे है। अमेरिका की पूंजी मेरे बाजार में अगर बिना किसी बाधा के आना चाहती है तो अमेरिका के बाजार में मेरे लेबर को बिना किसी बाधा के घुसने का लाइसेंस दे दो, तो मैं मानता हूं कि तुम ग्लोबलाइजेशन की चाहत हो। अदरवाइज यह कैसे संभव हो सकता है कि अमेरिका की पूंजी मेरे मार्केट में घुसती चली जाए और मेरे लेबर्स अगर अमेरिका में जाना शुरू करें तो उन पे इमिग्रेशन की पाबंदियां लगाना शुरू किया जाए, ये कैसे संभव हो सकता है। और मैं इस बात में अपने आप को नीचा नहीं मानता, अमेरिका के पास कैपिटल सरप्लस है, मेरे पास स्किल्ड लेबर का सरप्लस है। जितना ज्यादा स्किल्ड लेबर दुनिया में चाइना के पास है, उसके बाद दूसरा नंबर हमारा। तो जिसके पास जो चीज सरप्लस है उसी का तो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अमेरिका के पास कैपिटल का सरप्लस है, मेरे पास लेबर का सरप्लस है, दोनों एक्सचेंज करें तब तो हम मानेंगे कि लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका ने अपने इमिग्रेशन के कानून बदलना शुरू कर दिया है, यूरोप ने भी शुरू कर दिया, फ्रांस जैसे देशों में तो ये डिमांड शुरू हो गई है कि इंडियंस को बाहर निकालो। फ्रांस में एक बड़ा भारी नेता है जिसका नाम है ज्यों मारियां लापें, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है इस बार, और वो कुछ वोटों से हारा। अगर वो जीत गया होता इस बार फ्रांस के इलेक्शन में तो मार मार के इंडियंस को उसने बाहर निकाल दिया होता, ज्यों मारियां लापें ने। उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे चलती है कि फ्रांस को बर्बाद कर दिया एशियन लोगों ने, इंडियंस लोगों ने, क्योंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं। तो यहां के लोग चूंकि सस्ते दाम पर वहां मजदूरी करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनके मार्केट में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होती चली जाती है। तो वो एशियंस के खिलाफ है, इंडियंस के खिलाफ है। वो तो अच्छा हुआ जीत नहीं पाया, नहीं तो फ्रांस में तो लाखों इंडियंस को बाहर निकलवा दिया होता। और इसके उल्टा हो गया, न्यूजीलैंड में पिछले 7 वर्षों में 1.5 लाख इंडियंस को बाहर कर दिया गया। कहां ग्लोबलाइजेशन हो रहा है? वो तो अपने डोमेस्टिक प्रोटेक्शन के काम कर रहे हैं, ये हम बेवकूफ हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बराबर कानून बदलते चले जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। और आपको एक ताजा जानकारी दे दूं, हो सकता है आपको आश्चर्य हो जाए, मुझे भी आश्चर्य हुआ। अभी 15-17 दिन पहले मुझे पता चला अमेरिकन पार्लियामेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन पार्लियामेंट से एक कानून पारित करवा दिया है, उसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। और मेरे एक दोस्त ने मुझको बताया कि मैंने तो उससे कहा कि बिना देरी किए हुए उस कानून की कॉपी मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि किया क्या है उन्होंने, और वो कानून की कॉपी मेरे पास आ गई है। और वो कानून पिछले 3 महीने से वहां डिस्कशन में था पार्लियामेंट में, अभी पारित हो गया। तो उस कानून को मैं आजकल पढ़ रहा हूं, तो कितनी चतुराई के साथ अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है। एक भी इंडस्ट्री अमेरिका ने ऐसी नहीं छोड़ी जो उस कानून की परिधि के बाहर हो। और उस कानून की प्रस्तावना में सबसे पहला वाक्य बहुत स्पष्ट कह दिया है कि चूंकि यह कानून अमेरिकन पार्लियामेंट से पारित हुआ है और अमेरिकन पार्लियामेंट सॉवरिन है, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल लॉ इस कानून को बदलवा नहीं सकेगा। बात खत्म हो गई, किस्सा ही खत्म कर दिया उन्होंने। माने कभी हमारे जैसे देश WTO में जाएं, गेट में जाएं, उनकी शिकायत करें और शिकायत के आधार पर अमेरिकन डोमेस्टिक लॉज को बदलवाने की कोशिश करें, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखवा दिया कि हमारी पार्लियामेंट सॉवरिन है और इस पार्लियामेंट का पारित किया हुआ यह कानून है, इसलिए इसको कोई नहीं बदलवा सकता। और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की इतनी सुंदर व्यवस्था उन्होंने की है। तो मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट पारित हो सकता है तो इंडियन पार्लियामेंट में बाय इंडियन एक्ट क्यों नहीं पारित हो सकता? और अमेरिकन पार्लियामेंट में जब बाय अमेरिकन एक्ट पारित हुआ है तो हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के समर्थकों ने चू नहीं मुंह से निकाला, और ना अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों ने चू किया मुंह से। एक तरफ ये बात कहने वाले लोग हैं कि हम फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, फ्री मार्केट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी चाहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन पार्लियामेंट बाय अमेरिकन एक्ट पारित करवा रही है, कोई नहीं बोल रहा है इस पे। और मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे देश में बाय इंडियन एक्ट पारित हुआ तो मेरे ही देश में ऐसे लोग हैं जो इसको गालियां देना शुरू कर देंगे कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक भी सेनेटर नहीं है जिसने इसके खिलाफ कुछ किया हो। और आप ये जान लीजिए, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों की सहमति से यह कानून पारित हुआ अमेरिकन पार्लियामेंट। किसी भी अपोजिशन के MPs ने वहां विरोध नहीं किया इस कानून का, सबने एक सहमति से उसको पारित कराया, क्योंकि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है इस कानून में जो प्रिजर्व होते हैं। तो हम हमारे इंडियन इंटरेस्ट को प्रिजर्व नहीं कर सकते क्या? अगर हम करना शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे आप 18वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं इस देश को, ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में। के नाम पर जो 1991 तक डंपिंग का कानून था उसको इतना ढीला कर दिया गया है कि इस समय हिंदुस्तानी बाजार में बिल्कुल मुफ्त के दाम में विदेशियों का माल बिकना चालू है।
और विदेशी कंपनियां तो घोषित रूप से ये कहकर आती हैं कि शुरू के 2 साल अगर घाटा भी उठाना पड़े तो उठाएंगे, एक बार इंडियन मार्केट को अपने कंट्रोल में कर लो, फिर जो मन में कीमत आएगी वो वसूलेंगे हम। तो पूरी की पूरी इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया पिछले 2-3 साल में इस एंटी डंपिंग कानून के हट जाने के कारण। और कैसे बर्बाद हुई इंडियन केमिकल इंडस्ट्री, आप तो समझदार हैं इसलिए एक ही स्टेटमेंट में समझ जाएंगे कि बाहर से आने वाला जो रॉ मटेरियल है और फिनिश प्रोडक्ट है दोनों पे ड्यूटीज एक जैसे, बर्बाद कर दिया पूरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पिछले 3 साल में, पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन्होंने, पूरी की पूरी पेपर इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने इस देश में। और अब अगले 2 महीने के बाद इस देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने जा रही है क्योंकि अब ताइवान की कुछ कंपनियों को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और वो आ रहे हैं इस देश में 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट बेचेंगे, करो कंपटीशन आप उनके साथ। और वो कैसे बेचेंगे ताइवान के लोग 20 रुपए में सिली सिलाई शर्ट, इस बात की गंभीरता को समझ लीजिए। कई लोग ये तर्क देंगे कि अगर वो 20 रुपए में बेच सकते हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते, तो समझिए कि वो क्यों बेचेंगे। ताइवान की सरकार एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और दूसरी बात, ताइवान की हर कंपनी को लोन मिलता है 3.5% के इंटरेस्ट पर। तो चूंकि ताइवान की गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को एक्सपोर्ट में भयंकर सब्सिडीज देती है और 3.5% का उनका लोन है, इंटरेस्ट लोन है, हमारे देश की कंपनियों को इंटरेस्ट देना पड़ता है 14-15-16% और कभी कभी तो 20-25% तक चला जाता है, और भारतीय सरकार बिल्कुल समर्थन नहीं करती हमारी कंपनियों का। ताइवान की सरकार तो अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी हुई है, हमारी सरकार तो अपनी कंपनियों को जितनी गालियां देनी होती हैं दे लेती है, क्योंकि इस देश में गाली देना स्वदेशी को ही सबसे ज्यादा आसान है, एक फैशन बन गया है स्वदेशी को गाली देना, अपने देश को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है, अपनी संस्कृति को गाली देना प्रोग्रेसिव होना माना जाता है और स्वदेशी को गाली देना भी प्रोग्रेसिव होना माना जाता है। परेशानी तो इस बात की है इस देश में कि यहां जो अपने देश को जितनी ज्यादा गाली दे, जो अपनी संस्कृति को जितनी बुरी भली कह दे, जो अपने देश के स्वदेशी को जितना बुरा भला कह दे, वो उतना ही अधिक प्रोग्रेसिव, इतना ही बड़ा इंटेलेक्चुअल, ये तो डेफिनेशन है इस देश की। और जो यहां स्वदेशी का समर्थन करे, जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करे, जो अपने राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रीयता की बात करे, राष्ट्रधर्म की बात करे, वो कहते हैं ये सब 18वीं शताब्दी के भोंपू हैं। और इन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि राष्ट्रीयता कभी भी 18वीं और 21वीं शताब्दी की नहीं हुआ करती, राष्ट्रीयता हमेशा नवीन होती है, चिरनवीन हुआ करती, और स्वदेशी कभी पुराना नहीं हुआ करता। स्वदेशी जितना जरूरी 18वीं शताब्दी में था उतना ही जरूरी 21वीं शताब्दी में भी है, नहीं तो अमेरिका को बाय अमेरिकन एक्ट नहीं बनाना पड़ता। बाय अमेरिकन एक्ट माने क्या, अमेरिका अपने देश में स्वदेशी को बढ़ाना चाहता है, सीधी सी बात। तो स्वदेशी जितना महत्वपूर्ण था 19वीं शताब्दी में उतना ही आज भी है, और यह कभी पुराना नहीं हुआ करता। कई बार आप ये गलत स्टेटमेंट मत करिएगा कभी भी गलती से कि हम 18वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं, ये 18वीं शताब्दी में जाना नहीं है, शायद आने वाली 21वीं शताब्दी के यही 2 बड़े नारे होंगे, स्वदेशी और सेल्फ रिलायंस, और हो सकता है ये प्रोग्रेसिव होने की एक बड़ी निशानी माना जाए। हमारे यहां तो तकलीफ ये है कि हमको किसी को राष्ट्रीयता की बात भी सिखानी पड़ती है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है, इससे ज्यादा तकलीफ की बात और क्या होगी इस देश में कि मुझे मेरे देश में किसी को राष्ट्रीयता सिखानी है तो जापान का उदाहरण देना पड़ता है, फ्रांस का पड़ता है, चीन का देना पड़ता है, फलाने का धमाके का, मैं मेरे देश के उदाहरण को देकर इस देश में राष्ट्रीयता नहीं सिखा सकता। ये प्रॉब्लम्स हैं इस देश की, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इस देश में पढ़े लिखे लोगों में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जो गांव में रहने वाला साधारण आदमी है वो तुरंत समझ जाता है कि राजीव भाई आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जो जितना बड़ा डिग्री होल्डर है वो उतना ही ज्यादा तर्क करता है कि राजीव भाई आप कुछ कहना भी चाहते हैं कि नहीं कहना चाहते। पे भी इस देश में बहस हो सकती है, स्वदेशी पर भी बहस हो सकती है, ये वही वर्ग है इस देश में। और एक बात और कह दूं, ये वो वर्ग है इस देश में जो अंग्रेजों के साथ गुलामी में पला है, बड़ा हुआ है, अंग्रेजियत पे पला के बड़ा हुआ। तकलीफ इस वर्ग की ये है, और यही वर्ग था जो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा समर्थक था इस देश में। इस देश में जिनको राय बहादुरी मिली है उन लोगों पर जरा नजर तो डाल लीजिए कि वो लोग कौन थे जो अंग्रेजों के राय बहादुर के तमगे लिए छाती पे लगा के घूमते थे, वो सब इंटेलेक्चुअल लोग थे हिंदुस्तान में। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला वो गांव का किसान था, मजदूर था। वही तकलीफ आज भी इस देश में है, हम देखते हैं, इस बात को समझते हैं, महसूस करते हैं। और अंत में आपसे एक दो बात और कहना चाहता हूं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस देश में,
उस पर गंभीरता से आंखें खोलकर जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लाकर विचार करने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करिए, नहीं तो आपकी ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। 7 साल बहुत होते हैं किसी भी देश में एक एक्सपेरिमेंट को चलाने के, और 7 साल में हमको पता चल गया है कि रिसेशन भयंकर है, बेरोजगारी भयंकर है। इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बताते हैं कि 1991 में गरीबों की संख्या 32 करोड़ थी, अब गरीबों की संख्या 40 करोड़ हो गई है। 8 करोड़ लोग ज्यादा गरीब हुए हैं पिछले 7 साल में। गरीबी में जो हिंदुस्तान जी रहा है ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है, ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कंपनियों के लिए है। और कोई मुझसे पूछता है कि राजीव भाई अगर आप जैसे विचार का आदमी ग्लोबलाइजेशन करे तो क्या चीज ध्यान में रखेगा, अगर मेरे जैसे आदमी को ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी तो मुझे हिंदुस्तान के गरीब दिखाई देंगे और न्यूक्लियस में वो रहेंगे, ना कि विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां। अगर हमको ग्लोबलाइजेशन करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे, हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूंजी के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स विदेशी कंपनियों के नहीं होंगे, हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिंदुस्तान के 40 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग। ग्लोबलाइजेशन से तो आपने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छीन लिया है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपए किलो में बिक रहा है। करोड़ों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है। आप जिस वर्ग से आते हैं आप शायद तुअर की दाल खा सकते हैं, बासमती चावल खा सकते हैं, 2 सब्जियां खा सकते हैं। हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोटी को मिर्ची के साथ मिलाकर खाते हैं, और उन 40 करोड़ लोगों में जिनके पास ऑन एन एवरेज एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया भी नहीं है, उनको अगर आप 8 रुपए किलो का नमक बेच रहे हैं तो आप ये कर क्या रहे हैं? ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये इकोनॉमिक रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है इस देश का। लेकिन मेरे देश में आजादी के 50 साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ नहीं कर रहा है। आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपके पास प्रचुर मात्रा में संपत्ति है, तो आपके लिए नमक 8 रुपए किलो का बिके या 50 रुपए किलो का आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकलीफ उन लोगों की है जो 40 करोड़ की संख्या में है और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है, तकलीफ उनकी है। और कभी उनकी जगह पर अपने आप को रखकर सोचिए और पूरे प्लान को देखिए तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में हो गया है। और बहुत ही बर्बरता पूर्वक पूरे देश में सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि कहीं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए, माने हर जगह वो 8 रुपए किलो वाला ही नमक बिकना चाहिए। और आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि आयोडीन हर नमक में होता है, कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता, क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से। नमक बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगती, कोई मशीन नहीं लगती, दरिया का पानी है, सूरज की रोशनी है, और दरिया के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होती है विज्ञान की जानकारी के अनुसार। ब्रोमीन भी बहुत होती है दरिया के पानी में, तो दरिया के पानी में मैक्सिमम आयोडीन है और दरिया के पानी से बनने वाले नमक में भी आयोडीन है। और हमको नॉर्मली एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है बस। साधारण आदमी को, साधारण बुद्धि वाले आदमी को इस देश में एक दिन में 125 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। और जो साधारण नमक हम खाते हैं उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माइक्रोग्राम आयोडीन खा जाते हैं, माने जितने की जरूरत है उससे भी 50 माइक्रोग्राम ज्यादा आयोडीन हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस देश में आयोडीन की कमी कहां है? यह तो सबसे बड़ा झूठ है जो इस देश में बोला जा रहा है आजादी के 50 साल। और ये झूठ कब से बोला जा रहा है? ये झूठ तब से बोला जा रहा है जब इस देश में आजादी के 50 साल के बाद ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया है, तब से ये झूठ बोला जा रहा है। और उस परदेशी कंपनी का नाम है अन्नपूर्णा, असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर। उसने नमक बेचना शुरू किया है अन्नपूर्णा के नाम से। तो जब से हिंदुस्तान लीवर को इस देश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में ये आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने। और मैं आरोप लगाता हूं इस देश के बड़े बड़े सेक्रेटरीज इस घोटाले में शामिल हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को यह डर पैदा कर दिया कि आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है इसलिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए।
और मैंने जब पार्लियामेंट में सवाल पूछवाया एक एमपी के माध्यम से कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां हैं जैसे घेंगा सबसे ज्यादा, उसके मरीज कितने हैं पूरे देश में, तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं उसमें 0.3% मरीज घेंगा के हैं, और वो भी कहां है, भारत के पर्वतीय इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं, और पर्वतीय इलाकों में कितनी आबादी रहती है इस देश की, मुश्किल से कुल आबादी का 5%। तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी है तो पर्वतीय इलाकों में कमी है, सामान्य इलाकों में आयोडीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पूरे देश में यह नाटक इस देश में चला और यह नाटक कर दिया कि पीछे एक ही सबसे बड़ा सत्य है कि एक परदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाना था, इसलिए उसने 50 पैसे किलो वाले नमक को 8 रुपए किलो में बिकवाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के धोखे के साथ। और कैसे लूट रहे हैं आपको, आजादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है, आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो 1 किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है 25 पैसा, तो 25 पैसे में 1 किलो नमक बन जाता है, और उस नमक में आयोडीन इंट्रोड्यूस करनी पड़े 1 किलो नमक में, तो कुल खर्चा होता है और 25 पैसा, माने 50 पैसे में 1 किलो नमक आयोडीन युक्त, अतिरिक्त आयोडीन युक्त नमक 50 पैसे में 1 किलो बन जाता है। तो भारत सरकार के कुछ टैक्स वैक्स होंगे, कुछ खर्चे होंगे, हालांकि मैं मानता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकारें हैं जिन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा रखा है, तो कुछ टैक्स वैक्स मान लीजिए आप और कुछ ट्रांसपोर्टेशन का भी मान लीजिए, तो 50 पैसे किलो वाले नमक में आमदनी भी मिला के इनकम भी मिला के 1 रुपए किलो में बिक जाना चाहिए, लेकिन वो बिक रहा है 8 रुपए किलो, और औसतन 1 किलो नमक पर जो मुनाफा है वो 6.5 रुपए के आसपास का है। और सारे देश में कितना नमक बिक रहा है इस समय, भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं 40 लाख टन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है इस समय, तो 40 लाख टन नमक अगर घरों में इस्तेमाल हो रहा है और 1 किलो नमक 8 रुपए में है और 1 किलो नमक पर 6.5 रुपए का प्रॉफिट है, तो आप जान लीजिए आपकी जेब से 2400 करोड़ रुपए एक साल में लूटे जा रहे हैं आयोडीन के नाम पर। और आजादी के 50 साल में अगर इसी देश की सरकारें देश के गरीब लोगों के खीसे में से 2400 करोड़ रुपए निकाल रही हैं, तो इन सरकारों को हम क्या कहें। मैं कभी कभी जब बहुत गुस्सा होता हूं और दुखी होता हूं तो मैं कहता हूं कि नाथूराम गोडसे ने तो गांधी के शरीर की हत्या की थी और इन लोगों ने तो गांधी के विचार को मार दिया है, ये तो नाथूराम गोडसे से बड़े हत्यारे हैं इस देश में। क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर होता, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, विचार महत्वपूर्ण होता है किसी भी आदमी का, और नमक सत्याग्रह इस देश में एक विचार था, क्रांति का एक प्रतीक था, हिला दिया था उस नमक सत्याग्रह ने पूरे देश को, और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए वो गांधी जी के दिल की तकलीफ थी हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखकर। और आज उसी देश में जहां 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हो उनको 8 रुपए किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले, बाकी कुछ मिले या ना मिले, और उन गरीबों को इस देश में 35 रुपए किलो का कांदा खरीदना पड़े, ये आजादी के 50 साल में इस देश की तकलीफ है। आखिरी बात चलते चलते कि आप में से कुछ लोगों के मन में फिर ये प्रश्न उठेगा कि राजीव भाई अब तो ये बर्बादी हो ही गई है, अब तरीका क्या है इसमें से बात कहना चाहता हूं कि इसके सॉल्यूशंस हैं, माने ये जो व्यवस्था में हम फंस गए हैं, ये जो ग्लोबलाइजेशन में हम फंस गए, लिबरलाइजेशन में हम फंस गए, और जो बर्बादी आ गई है पिछले 7 साल से, इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है, कुछ काम हमको करने पड़ेंगे इस देश में, कुछ काम होंगे जो शॉर्ट टर्म के होंगे और कुछ काम होंगे जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज के रूप में होंगे। जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हो सकती हैं देश में इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए वो क्या हो सकती है, मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं, ये अगर कोई प्रेस वाले हों तो इस बात को नोट करें कि क्या क्या करना चाहिए तो इस देश का ये खत्म हो सकती है दुर्व्यवस्था। सबसे पहले तात्कालिक रूप से इस देश में एंटी डंपिंग लॉ को ताकतवर बनाने की जरूरत है ताकि विदेशी कंपनियों को डंप करने की जो छूट मिली है वो रुके, एक काम। दूसरा काम, अगर अमेरिकन पार्लियामेंट में बाय अमेरिकन एक्ट बना है तो इंडियन पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाने की जरूरत है। तीसरा काम, हमारे देश में ये जो विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट हमने दे दी है इसको तत्काल रोकने की जरूरत है, और कम से कम इसमें इतना क्लासिफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में जीरो टेक्नोलॉजी है और जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, उदाहरण के लिए पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप, लिमका, सिट्रा या उनके पोटैटो चिप्स, रफल्स, हॉस्टेस, टॉप रेमन, बिनीज, या फिर उनकी नूडल्स, या फिर उनका नमक, या फिर उनका आटा,
या फिर उनकी कैडबरीज की चॉकलेट, या फिर उनके टॉफियां, या फिर उनके बिस्किट्स, ये जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, ऐसे 840 प्रोडक्ट हैं इस देश में जो जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। तो जीरो टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं इस देश में, उन क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से विदेशी कंपनियों को बैन कर देने की जरूरत है। इस सेक्टर में हमको कोई मल्टीनेशनल नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रायोरिटी के सेक्टर नहीं है। इस देश के गांव को पीने का पानी चाहिए, पेप्सी कोला नहीं चाहिए। इस देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, तो करोड़ों लोगों को पहले पीने का पानी चाहिए, ना कि पेप्सी और कोका कोला। इस देश में 20 लाख बच्चे हर साल बिना दूध के मर जाते हैं, उनको पहले दूध चाहिए, ना कि कैडबरीज की चॉकलेट। हमारी प्रायोरिटीज हमको समझनी चाहिए। तो हमारी प्रायोरिटीज में जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, उनमें 100% विदेशी कंपनियों को बैन करने की जरूरत है। तो आप ये कह सकते हैं, इसमें एक कंफ्यूजन रहता है कि राजीव भाई आप क्या बोल रहे हैं, अभी जो नई आएंगी उनको बैन करना है या जो आ चुकी हैं उनकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं जो आ चुकी है उनकी, नई आने वालों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। जो आ चुकी है उनको बैन करने की जरूरत है। तो आप पूछेंगे वो कैसे होगा? आपके देश में एक सॉलिड एग्जांपल है, मुरारजी भाई देसाई ने क्या किया था 1977 में, 24 घंटे में कोका कोला को नोटिस दिया था भारत छोड़ने का। तो कोका कोला ने आंखें दिखाई थी कि आप अगर मुझसे भारत छोड़ने की बात कहेंगे तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो मुरारजी भाई ने कहा कि हाँ ठीक है, मुआवजा तो दूंगा, तो पहले तुम्हारी संपत्ति जब्त करूंगा, उसको बेचकर मुआवजा दे दूंगा तुमको। और जैसे ही मुरारजी भाई ने कोका कोला की संपत्ति जब्त करने की बात कही थी, वैसे ही कोका कोला बिस्तर बोरिया उठाकर भाग गया था इस देश से, बिना एक पैसे का कंपेंसेशन दिए कोका कोला भागा था यहां से। और कोका कोला भागा, उसके बाद IBM भागा, उसके बाद ICL भागा, और चौथा नंबर लगा हुआ था हिंदुस्तान लीवर के भागने का, तब तक सरकार गिर गई। अदरवाइज तो ये संकट ही आज नहीं होता इस देश में, क्योंकि वो सरकार बिल्कुल कमिटेड थी कि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में कोई मल्टीनेशनल की हमको जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज हमको जो करने की जरूरत है कि जो जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया है, उनमें इनको तत्काल बैन किया जाए। और आपको अगर कोई नेता इस बात से फुसलाने की कोशिश करे कि हम विदेशी कंपनियों को भगाएंगे तो उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा झूठ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीरो टेक्नोलॉजी के एरिया में जितनी मल्टीनेशनल्स काम कर रही हैं, उनके जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, सामान्य रूप से हर कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, उनमें 10 साल के अंदर उनको भारत से छोड़कर चला जाना चाहिए था, ऑलरेडी चला जाना चाहिए था। लेकिन 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, 40-40 साल हो गए, वो छोड़कर नहीं भागे हैं। माने उनकी शर्तों के अनुसार उनको चला जाना चाहिए, वो इलीगल तरीके से यहां बैठे हुए हैं, तो उनको भगाने में एक पैसे का कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। और फिर एक काम और करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लूट मची हुई है उसको तात्कालिक रूप से बंद करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल कैपिटल पर जो निर्भरता हमारी हो गई है, इस निर्भरता को खत्म करना पड़ेगा। और ये जो पूंजी के लिए कटोरा लेकर हम चले जाते हैं दूसरे देशों में भीख मांगने के लिए, ये भीख मांगना बंद करिए। भारत बहुत बड़ा देश है, और मैं तो कभी कभी कहता हूं, लेकिन ये मजाक में नहीं, गंभीर बात कह रहा हूं, हमारे देश में बंबई दिल्ली जैसे शहरों में बैगर्स एक्ट बना हुआ है। आप जानते हैं, भिखारी अगर दिल्ली के हवाई अड्डे पर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? क्योंकि वो 50 पैसे की भीख मांगता है, 1 रुपए की भीख मांगता है। और हमारे देश के ये जो बड़े बड़े बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बिलियंस ऑफ डॉलर की भीख मांग कर लाते हैं, इनकी जगह कहां होनी चाहिए फिर? तो हमको भीख मांगना बंद करना है, विदेशी पूंजी की हमको जरूरत नहीं है। तो आप पूछेंगे वो कैसे? हमारे देश में स्वदेशी पूंजी ही इतनी मात्रा में है कि उसी का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं कि इस देश में जो GDP है वो करीब करीब 8 लाख करोड़ का है एक साल का, उसका 24% हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर। तो 2 लाख करोड़ की हमारी बचत है इस देश में एक साल की, और 2 लाख करोड़ की अगर बचत है हमारे देश में एक साल की, तो ये 2 लाख करोड़ की पूंजी को हम क्यों नहीं मोबिलाइज कर सकते भारत में इस्तेमाल करने के लिए? तो मुश्किल जानते हैं क्या है? इस देश के नेताओं की विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह है, अन्यथा जो देश के लोग 2 लाख करोड़ रुपया बचत कर रहे हैं वो पूंजी मार्केट में क्यों नहीं लगाई जा सकती? लोगों को भरोसा नहीं है सरकारों पर, नेताओं पर भरोसा नहीं। और ये जो 2 लाख करोड़ की डोमेस्टिक सेविंग्स है, इसको हम बहुत आसानी के साथ 3-3.5 लाख करोड़ पर ले जा सकते हैं, बशर्ते कि हिंदुस्तान के हर घर में एक छोटा सा संकल्प आए कि मैं मेरे जीवन में गैर जरूरी सामान इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरी जितनी जरूरत है, उतनी जरूरत पूरी करने के लिए मुझे जो सफिशियंट लगेगा उतना ही इस्तेमाल करूंगा। माने हम हमारे जीवन में संयम और अपरिग्रह के सिद्धांत को लागू करें। तो संयम और अपरिग्रह का सिद्धांत अगर हम लागू करें तो यही 2 लाख करोड़ की पूंजी 3.5-4 लाख करोड़ पर पहुंच सकती है, और 3.5-4 लाख करोड़ की पूंजी इतनी है कि भारत सरकार से इस्तेमाल करते नहीं बनेगी।
और क्या करना चाहिए, एक काम और करना चाहिए इस देश में। मैं 5 साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि टैक्स ले लेके तुमने इतना खून चूस लिया है कि वो मरने वाला है। जो मरीज मरने वाला होता है तो उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, खून नहीं निकाला जाता उसके शरीर में से। तो यह उद्योग व्यवस्था मरने को तैयार बैठी है, इसका खून मत पियो, इसको ऑक्सीजन दो। तो ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं? 5 साल के लिए पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए। 5 साल तक ना इनकम टैक्स लिया जाएगा, ना सेंट्रल एक्साइज लिया जाएगा, ना कोई टैक्स, और ये सारे डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। तो आप पूछेंगे सरकार का खर्च कैसे चलेगा? सरकार का खर्च बहुत आसानी से चल सकता है। कैसे चलेगा? हमारे देश में पिछले 50 साल में जितने घोटाले हुए हैं, उन घोटालों का पैसा विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ। और जानते हैं कितना पैसा पड़ा हुआ? हमारे देश के भ्रष्ट नेताओं ने जो घोटाले किए हैं उसका $140 अरब विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ, $140 बिलियन विदेशी बैंकों में पड़ा हुआ। और ये जो $140 अरब विदेशी बैंकों में है, ये रुपए में अगर आप कैलकुलेट करें तो 5.5 लाख करोड़ रुपया बैठता। तो 5.5 लाख करोड़ रुपया जो विदेशी बैंकों में हमारे देश के घोटालेबाज नेताओं का पड़ा हुआ है, ये वापस भारत में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? बहुत आसान रास्ता है इसका। पार्लियामेंट एक कानून बनाए। क्या कानून बनाए? कि जो घोटालों के माध्यम से पैसा देश के बाहर चला गया है, ये पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है। ये अलग बात है कि नेताओं ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके, घोटाला करके, वो पैसा लूटकर विदेशों में जमा कर दिया, तो वो राष्ट्रीय संपत्ति है। और अगर हमारी पार्लियामेंट ये कानून बनाकर घोषित करे कि स्विस बैंकों में जितना पैसा भारत के नेताओं का पड़ा हुआ है वो सब राष्ट्रीय संपत्ति है, तो स्विस बैंक है वो सारे पैसे को आपको वापस करेंगी। क्यों? क्योंकि स्विस बैंकों का अपना कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं हमेशा। और उनके यहां अगर ये कानून बना है तो इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। स्विस बैंकों में ये कानून है कि वो नेशनल प्रॉपर्टी कभी नहीं रखते, और अगर रखी उन्होंने तो उनकी बहुत बदनामी होती है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं। तो उनको बताया जाए कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये नेताओं के बाप की कमाई का पैसा नहीं है, ये देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा है जो यहां से लूट कर ले जाया गया है। तो अगर इसको नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो 5.5 लाख करोड़ रुपया वापस आ जाएगा। और ये 5.5 लाख करोड़ रुपया उतना होता है कि भारत सरकार 5 साल तक टैक्स बिल्कुल लेना बंद कर दे तो भारत सरकार का बजट चल जाएगा। तो एक पैसे का टैक्स लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप इस देश में 5 साल इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दीजिए तो जान लीजिए कि इस देश में ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी व्हाइट मनी की इकोनॉमी बन जाएगी। माने इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट ही जब बंद हो जाएगा तो कोई मनी ब्लैक होगी ही नहीं। और आपको मैं जानकारी दूं कि मनी मनी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हुआ करती। ये इडियोटिक कानून है जिनके कारण कुछ धन ब्लैक मनी है, बाकी धन व्हाइट मनी। और ये मेरा एक दोस्त है इनकम टैक्स कमिश्नर, उससे मैं कई बार पूछता हूं कि तुम करते क्या हो साल में, तो कहता 25,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूलते हैं। मैंने कहा 25,000 करोड़ के इनकम टैक्स में ये बताओ कि पब्लिक सेक्टर की भारत सरकार की कंपनियों का कितना है, तो कहते 15,000 करोड़। अब आप देखिए 15,000 करोड़ तो इस देश की राष्ट्रीय कंपनियों का है, उसको वसूलने में क्या लगना है? वो तो सरकार की एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जाने वाला है, तो उसमें तुमने कौन सी बहादुरी करी है जो तुम वसूलने की बात करते हो? प्राइवेट कितना वसूलते हो, तो कहते हैं 10,000 करोड़। मैंने कहा 10,000 करोड़ का तुम पैसा वसूलते हो प्राइवेट, जिसको हम इनकम टैक्स कहें, इसमें से खर्चा कितना करते हो? तुम्हारे देश में जो पूरा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है उसमें जो पलने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे ऑफिसर है, इनकी तनख्वाह पर खर्चा क्या होता? तो कहने लगा अगर पूरे डिपार्टमेंट का तुम एक्सपेंडिचर सुनोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब मिला के, तो साल भर में कुछ 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा। तो मैंने कहा एक्चुअल कलेक्शन कितना है फिर? 7,000 करोड़ का। तो मैंने कहा 7,000 करोड़ की सब्सिडी क्यों नहीं देते देश? माने क्या है, 7,000 करोड़ माफ क्यों नहीं कर देते? कहने लगा बात तो तुम्हारी समझ में आती है। मैंने कहा फिर तकलीफ क्या है इसको लागू करने में? तो कहने लगे मेरी कुर्सी का क्या होगा? मैंने कहा तुम्हारी कुर्सी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इनकम टैक्स के 1 लाख के ऑफिसर्स कितने? तो पूरे देश में 3200 ऑफिसर्स हैं। तो मैंने कहा इन 3200 ऑफिसर्स को हम हाथ में हल पकड़ाएंगे और खेत में जोतकर जीविका चलाएंगे ये अपनी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? और चूंकि तुमको मालूम नहीं है कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसलिए दूसरे के खून पसीने की कमाई पर पागल भिंगरने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हल जो तो खेत में जीविका मिल जाएगी इस देश में, क्योंकि धरती माता बहुत देती है, 2 जून की रोटी तो मिल ही जाएगी तुमको।
कि बात कुछ समझ में आ रही है। मैंने कहा इससे भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझनी चाहिए तुमको, ये मैंने उसी से पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कानूनों के कारण ब्लैक मनी कितना जनरेट होता है एक साल। तो कहने लगा लगभग 1.5 लाख करोड़ का। तो मैंने कहा जब तुम्हारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये सब मनी व्हाइट हो जाएगा। तो अभी जब तुम्हारा डिपार्टमेंट है तो उसके कारण मेरे देश का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है, माने वो 1.5 लाख करोड़ व्हाइट में नहीं है, ब्लैक में है। और तुम कर क्या रहे हो, तुम 7,000 करोड़ वसूल रहे हो उसमें से। और तुम्हारी इनएफिशिएंसी की मैं क्या कहूं कि वीडीआईएस की स्कीम चली, उसमें से तुम 10,000 करोड़ ले आए, तो तुमने मान लिया कि बड़ा भारी विजय लाए इस देश में। और कैसे लिया है, वीडीआईएस के माध्यम से, जैसे शराबी पति अपनी पत्नी से मांगता। जो शराबी पति होता है वो अपनी बीवी के सामने जाके जानते हैं क्या कहता है कि आज दे दे शराब पीने के लिए, कल से नहीं मांगूंगा तुझसे। तो पत्नी क्या कहती है कि नहीं नहीं तुम रोज यही कहते हो, तो वो कहते नहीं नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा, तू दे तो दे। तो बिचारी पत्नी झांसे में आ जाती है, दे देती है, दूसरे दिन फिर आके छाती पे खड़ा हो जाता है कि अब आज और दे दे। माने वीडीआईएस चला, 31 दिसंबर तक दे दीजिए फिर नहीं आएंगे आपके पास, यही तो था। और 31 दिसंबर पूरा हुआ तो फिर छाती पे आके खड़े हो गए कि अब तुम्हारे घर में अगर सेल्यूलर फोन है, अगर तुम्हारे पास एग्रीकल्चरल फार्म है, अगर तुमने विदेश यात्रा की है, तो फिर तुमको चूसेंगे आके। तो शराबी पति को जैसे शराब की लत लग गई है, वैसे ही भारत सरकार को लत लग गई है इनकम टैक्स की। और एक दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खत्म हो गया इस देश में, सेंट्रल एक्साइज भी खत्म हो जाए, मैं तो इस देश में भगवान से प्रार्थना करता हूं, तो इस देश में 70% करप्शन खत्म हो जाए। करप्शन होता क्या है और करप्शन होता कैसे है, माफ करेंगे ये बात कहने के लिए, मेरे एक बहुत अच्छे परिचित दोस्त हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बंबई में रहते हैं। उनका एक दिन का डोनेशन जो है करीब करीब 5 से 10 लाख रुपए का, एक दिन में डोनेट करते 5 लाख कम से कम, 10 लाख अधिक से अधिक। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो डोनेशन करते हैं 10 लाख रुपए का, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि हाँ मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स दे हो तो 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे हुए हैं उन्होंने मैनिपुलेशन करने के। और आप लोग कर क्या रहे, माफ करिएगा ये बात कहने के लिए, 1 रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे जाए, उसी में आपकी पूरी कसरत लगी हुई है। पर मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश का बेस्ट ब्रेन लगा हुआ है 1 रुपया इस जेब से निकलकर उस जेब में कैसे ना जाने पाए या कैसे चला जाए। तो आप अपने इंटेलेक्ट का देश के हित में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सीधा प्रश्न मेरा आपसे है। और आपको मैं एक जानकारी और दे दूं, ICS बनने में, IPS बनने में, IRS बनने में जितनी मेहनत नहीं लगती, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में लगती है, ये मैं जानता हूं। तो जो मेहनत आपने की है उसका देश को कुछ तो लाभ मिलना चाहिए। और इस पर आप अपने स्तर पर सोचिए कि हम हमारे इंटेलेक्ट का इस देश को क्या लाभ दे सकते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा था कि आप 10 लाख रुपए का डोनेशन दे देते हैं लेकिन 1 लाख रुपए का टैक्स नहीं देते, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि राजीव तुमको मालूम नहीं, भारत के धर्म शास्त्रों में लिखा है कि कुपात्र आदमी को 1 पैसे का भी दान नहीं देना चाहिए। तो ये भारत सरकार चूंकि कुपात्र है इसलिए मैं इसको 1 रुपया भी नहीं दे सकता, और जिसको मैं 10 लाख रुपया डोनेट कर रहा हूं उसके बारे में मुझे मालूम है कि ये कहां खर्च होने वाला है, मैं जो इनकम टैक्स देने वाला हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि वहां कहां खर्च होने वाला है। मतलब ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो गया, सेंट्रल एक्साइज बंद हो गया, तो चिंता मत करिए ये देश डूबेगा नहीं। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं कि भारत सरकार अगर टैक्स लेना बंद करके लोगों से दान मांगना शुरू करे तो रेवेन्यू कलेक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा इस देश में, क्योंकि यहां दान देने की बहुत पुरानी परंपरा है, लेने वाले की पात्रता चाहिए। और अगर लेने वाला इस देश में पात्रता रखता है तो देने वालों की कभी कमी नहीं है। राणा प्रताप को जानते हुए कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, भामा शाह ने अपनी थैलियां खोल दी थी, ये जानते हुए कि राणा प्रताप एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा। भामा शाह के सामने दोनों विकल्प खुले थे, अकबर ने संदेश भेजा था कि आप चाहो तो आपकी पूरी संपत्ति की मैं सुरक्षा कर सकता हूं, आप मुझसे मिल जाओ,
भामा शाह ने यही कहा था कि अकबर तुमसे मिलने की तो बात मैं सपने में नहीं सोच सकता। मैं जानता हूं कि राणा प्रताप हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मेरी संपत्ति सुपात्र को ही जाएगी, कुपात्र को नहीं जाने वाली। तो इस देश में ये हजारों साल की परंपरा है कि सुपात्र लोगों को कभी भी इस देश में कमी नहीं होती और कुपात्र लोगों को दान कभी देना नहीं चाहिए। तो मैं मानता हूं कि अगर सरकारें अपनी सुपात्रता सिद्ध करें इसमें तो उनको कोई कमी नहीं होने वाली दान की। तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, दान लिया जाएगा, और दान लेने में विनम्रता होती है, टैक्स लेने में गुंडागर्दी दिखाई जाती है। तो विनम्रता के साथ जब सरकार आपके पास आएगी और उनका ऑफिसर आएगा कि हमें केंद्र की व्यवस्था चलानी है, राज्य की कुछ व्यवस्था चलानी है, जिले की चलानी है, इसलिए आपसे दान चाहिए, तो आपका दिल खुद ब खुद पसीज जाएगा और आप शायद 1,00,000 रुपए का टैक्स नहीं देंगे लेकिन 10,00,000 रुपए का दान कर देंगे। ये संभव है इस देश में, ये भारत में संभव है। ये मैं यूटोपियन बात नहीं कह रहा हूं, इस देश में हजारों साल ऐसे व्यवस्थाएं चली हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि इस देश में अगर हम पूरी इकोनॉमी को जीरो टैक्स बना दें और कोई टैक्स ना वसूला जाए, लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज की मैं बात कर रहा हूं, तो इस भारत को आप सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। क्यों? मेरे एक दोस्त से मैंने एक दिन पूछा कि तुम जो उत्पादन करते हो उसमें ब्लैक कितना है व्हाइट कितना है एक्साइज की चोरी करने के लिए, तो उसने खुद कहा राजीव 1:4 का रेशियो रहता। हाँ, वो खुद कह रहा था मुझसे। तो मैंने उससे ज्यादा इंटेलिजेंसी से एक दूसरी बात पूछी कि मान लो तुमको सेंट्रल एक्साइज का डर नहीं रहे तो उसने कहा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता, वो फिर 1:4 नहीं है, वो 4:4 ही रहेगा, फिर चक्कर ही नहीं है कोई दूसरा। मतलब क्या है, आज जो भारत सरकार कहती है कि इस देश का जीडीपी 8,00,000 करोड़ का है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बंद हो जाए तो जीडीपी 16,00,000 करोड़ का तो एक झटके में हो जाएगा। इस परेशानी क्या होने, तो परेशानी कहां है? परेशानी इस देश की व्यवस्था में है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी आपको चूसने के लिए। वो व्यवस्था जब तक बदली नहीं जाएगी तब तक आप भारत को एक मजबूत आर्थिक देश नहीं बना सकते। तो तात्कालिक रूप से नीतियां क्या होनी चाहिए? तात्कालिक रूप से इस देश में नीतियां ये होनी चाहिए कि जो पिछले 7 साल में सत्यानाश हो रहा है जिन पॉलिसीज के कारण, उनको तत्काल रोकना चाहिए और एक नए रास्ते पे जाना चाहिए। और लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज इस देश में इस टैक्सेशन के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देने की जरूरत है। और चलते चलते आपसे एक आखिरी बात कि ये होगा कैसे, कैसे संभव है? ये संभव है इस देश में एक बड़ी वैचारिक क्रांति की मदद से। और वो बड़ी वैचारिक क्रांति करेगा कौन? वो आप करेंगे, वो मैं करूंगा। इस देश में वैचारिक क्रांति का एक आंदोलन चलाने की जरूरत है और उस वैचारिक क्रांति के आंदोलन में आप हम सब सहभागी